टिकट टिकट बेटी शोभा टिकट दो बेटी मकान तो लेकिन यहाँ तो कोई भी दिख सुनो तो बहुत सुन चुका सुन सुन के मेरे कान बहरे हो गए देखता हूँ कौन नौकर आता है तुम्हारे घर में नौकरी करने बड़े बने जब देखो परेशान किया करते बेटा सुनो तो सुनो बच्चे बच्चे जरा सुनो अरे तू मेरे से पढ़ो मैंने पहले साइकिल पकड़ी है घर में देखो देखो चिल्ला पड़ेगा क्या आवाज ये क्या गलत गलत लग रखी है तुम दोनों के बाप अलग अलग हैं बेवकूफ है भैया जरा मेरी भी सुन लो सुनाइए मुझे विशंबर बाबू से मिलना है ए छोटा बड़ा देखो उनको क्या काम है कहाँ से आए अंदर खबर दो चलो बोलिए बेटा जाकर कह दो कि फैजाबाद जिले के चंदनपुर गांव से सुनील बाबू की बिटिया आई है अच्छा चाबी गोल हो गई है क्या अपनी माँ को बुला के ले आ चाबी कहाँ अरे तुम्हारी चाबी कहाँ अरे शैतान के बच्चे भाग गए चाबी कहाँ जब देखो कुछ ना कुछ कहाँ है चाबी मेरी चाबी कहाँ है चिल्ला रहे हो क्या मतलब मेरी चाबी कहाँ है कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ अरे कितनी बार कहा यहाँ गद्दे के नीचे देख लिया करो क्या रखी है ये लो अरे यहाँ है मेरा दिमाग सुर्खी बालू से भरा हुआ है सुर्खी बालू ही तो सोना चांदी है सोना चांदी है सुना सुना कर तुम मुझे परेशान कर रखा है सुबह से शाम तक फुर्सत नहीं मिलती अभी तक तो कोई नहीं आया सुनो कहो मुझे 100 रुपए चाहिए 100 रुपए उसने तो 1000 रुपए लिए थे मुझसे
तो क्या तुम उसे रुपयों का हिसाब ले रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन आज ये रुपयों की जगत को कुछ रुपए चाहिए। जगत को? उसको एक ढेला नहीं दूंगा, न काम का न काज का। जब देखो रेस जुआ खेलते रहता है, ऐसे निठल्ले आदमी मुझको बिल्कुल नहीं भाते। तुम्हें क्यों भाएगा? मेरा भाई जो लगता है मजबूरी से पड़ा है बेचारा इस घर में, ये तो क्या कमी है उसके बाप के घर में उसके लिए। रेस खेलता है, जुआ खेलता है तो अपने बाप के पैसे से खेलता है, तुम्हारे पैसे से नहीं। लेकिन रेस जुआ खेलना कोई अच्छी बात? कितनी बार कहा उसे, कोई नौकरी दिला दो, काम धंधे से लगा दो, वो तो होता नहीं, उठल्लू निठल्लू कहते फिरते हो। सच्ची बात क्यों नहीं कहते कि मेरा कोई रिश्तेदार तुम्हें एक आंख नहीं भाता? दोस्त तो मेरे। अरे ये क्या हुआ, मैंने कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं कही भाई, माफ करो, चलो रुपये ले लो। बाबूजी पैसा बताया? अरे तुम लोगों ने अभी तक नहीं बताया। कौन आया? कोई लड़की है और उसके साथ एक बुड्ढा भी। निकाल दो घर से उनको, घर कोई मदद नहीं मिलेगी। अरे आप लोग अभी तक नहीं खड़े, बच्चों ने अंदर खबर नहीं दी? क्या पता, कमाल बच्चे हैं। बाबूजी कहते हैं कि तुम लोग जाओ यहाँ से, कोई भीख नहीं मिलेगी। बदतमीज कहीं का, माफ कीजिएगा, ये लोग शायद अंदर ठीक से कहना भूल गए हैं, मैं अभी क्या कराता हूँ। आप लोग कहाँ से आए? जी फैजाबाद जिले में चंदनपुर गांव है, वहाँ से। अरे चंदनपुर, बचपन में एक दफा मैं वहाँ गया तो हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम राम भजन है, ये सुनील मास्टर की लड़की है, मैं इनके पड़ोस में रहता हूँ। सुनील मास्टर यानी कि सुनील चाचा जी? तुम सुनील चाचा की लड़की हो? जी हाँ। तो फिर तो तुम्हारा नाम शोभा है ना? देखा मैंने कैसा पहचाना शोभा, तुमने मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं हरीश हूँ, हरीश। तुम्हें याद नहीं जब हम लोग छोटे छोटे से थे तो बागीचे के अंदर जाकर वो अमरूद तोड़ा करते थे, तुमको करौंदे बहुत पसंद थे, है ना? एक दफा माली ने मेरी बहुत बुरी पिटाई की थी, याद है ना? अरे अरे आओ अंदर आओ, आओ आओ आओ, घबराने की कोई जरूरत नहीं, अपना घर है। हाँ अरे मामा मामा, हमारी एक और बहन आ गई। अच्छा? हाँ शोभा, शोभा ये मेरे मामा हैं, लेकिन कौन से रिश्ते से ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मेरे मामा हैं, जगत मामा। नमस्ते कर रही है। ए बाबूजी बाबूजी, अरे बाबूजी बाबूजी, देखिए कौन आया है। कौन है? सुनील चाचा जी की लड़की। सुनील चाचा? हाँ अपने चंदनपुर वाले। ओ सुनील भैया। हाँ नमस्ते। सुनील भैया नहीं आए? जी वो तो नहीं रहे, एक साल हो गया। क्यों क्या हुआ था? तूफान में नाव उलट जाने से पति पत्नी दोनों ही एक साथ चले गए। हे राम राम राम, ये बिचारी लड़की अकेली रह गई। सियानी लड़की का अकेली गांव में रहना कितना कठिन है आप तो समझ सकते हैं जी, इसीलिए आपके पास ले आया हूँ। आप रिश्तेदार हैं, आपके पास रहेगी तो। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया। बेटी घबराओ नहीं, ये घर तुम्हारा ही है। सुनो जरा इधर आओ। अभी आया। मैं कहती हूँ मैं अपने घर में किसी को नहीं रखूंगी, भगा दो उसको यहाँ से। ओहो सुनो भी तो, सुनील भैया आखिर काहे के भैया, मौसेरे भाई के फुफेरे भाई, तुम्हारे तो सब भाई हैं इस दुनिया में, मैं ये झमेला नहीं पालती। देखो रिश्ता दूर कहीं से, लेकिन सुनील भैया का कुछ एहसान भी तो है। तुम्हें याद नहीं मुझे अपना कारोबार शुरू करने के लिए उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी निकाल के दे दी थी, उनके 1000 रुपए से तो इतना बड़ा बिजनेस खड़ा हुआ। अरे तो उनके 1000 रुपए वापस कर दो और विदा करो यहाँ से, कह दो मेरे घर में कोई जगह नहीं। कैसे कहूँ, लड़की मुसीबत में पड़कर आई है, रखी लो तो क्या हर्ज है? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। दीदी एक बात है। क्या है? घर में तो नौकर चाकर टिकता नहीं, जो भी आता है काम चोर आता है, सब काम तुम्ही को करना पड़ता है, इसे रख लोगी तो तुम्हारा बोझ हल्का होगा। शाबाश, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, आप कहो। अच्छा अच्छा, काम काज के लिए रखना है तो रख लो। बेटी मुझे काम पे जाना है, देर हो रही। ये है तुम्हारी चाची, इनके साथ अंदर जाओ, नहा धो के आराम करो, शाम को आके बातें करते हैं। हरीश बाबूजी इनके रहने का इंतजाम करो। आइए जी। मैं तो आज दोपहर को पंजाब मिल से चला जाऊंगा। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? गांव में फसल कट रही है इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। अच्छा जैसा तुम ठीक समझो, तब तक तो कुछ आराम करो। अच्छा मुझे जाना। चलो बेटी चलो। आप लोग बैठिए मैं आता हूँ। घर में कोई और कमरा तो खाली है नहीं, बस यही एक कमरा खाली है। छी छी क्या बीच में रख दिया? तुम तो जानती हो बंबई शहर में रहने की कितनी तकलीफ है, एक खोली में 20-20 आदमी राम जाने कैसे रहते हैं।
भगवान की दया से हमारे यहाँ तो सबके अलग कमरे हैं। तुम इस कमरे में रहना। पीछे सहन है, खिड़की है, जब खोलोगे तो रोशनी हवा की कोई कमी नहीं। माँ हाँ, शोभा को यहाँ रखोगी? और क्या, इस कबाड़खाने में? अरे कबाड़खाना, तू इसे कबाड़खाना कहता है? और नहीं तो क्या? सब काम कहीं तो सामान रखा है। क्यों बेटी, ये जगह अच्छी नहीं है? नहीं चाची जी, जगह तो ठीक ही है। हाँ हाँ, अगर सामान ठीक से रख लिया जाए तो गुजर हो जाएगा। हाँ सुना तूने, कभी अकल की बात नहीं करेगा। करूँ कैसे, बचपन से यही बात सुना सुना कर तो मेरी अकल का नाश मार दिया तुमने। बस उल्टी सीधी बातें इस लड़के से करा लो। अच्छा बेटी, इस कमरे का सामान तुम अपने हिसाब से ठीक कर लो, मैं चलती हूँ, उधर रसोई में सब काम पड़ा हुआ है। रूपा चलो, चल बच्चों। काम काज में कैसी है शोभा? काम काज में
छुड़ाने की कोई बात नहीं, मैं हूँ। कुछ तकलीफ तो नहीं है तुमको यहाँ? जी नहीं, लेकिन इतनी रात गए आप? नहीं नहीं, मैं इधर से जा रहा था, देखा तुम खड़ी हो। मुझे शर्माना मत, ये समझ लो कि तुम्हारे दुख दर्द की बात सुनने वाला कम से कम एक शख्स तो है इस घर में, मैं, समझी? जी। शोभा, मैं बड़े नरम दिल का आदमी हूँ, किसी की तकलीफ नहीं देख सकता। जब भी कभी कोई जरूरत हो तुम बेखट के मुझसे कह सकते हो, समझी? माफ कीजिएगा, मैं खिड़की बंद कर लूंगा। शेठ सागर माल बगड़िया। स्वीट 404 सर। अरे रे, शाबाश तुम्हीं, हाँ। 15 साल के बाद मुलाकात हुई है। हैप्पी सरप्राइज। पहचान लिया भाभी? जरा मुश्किल से। कहाँ हो आजकल? पुणे में। अच्छा, तुम यही गुजर कर रहा हूँ। कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है भाई। बच्चे कहाँ है? तीन थे ना? तो तुम्हारे सामने ही खड़ा है। नमस्ते। डॉक्टरी पास कर चुका है, यहाँ हॉस्पिटल में काम कर रहा है। वाह 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 वाह, डॉक्टर हो भाई, वाह। और लड़कियाँ? वो अपने अपने घर चली गई। अच्छा, शादियाँ करा दी हैं? मैं तुमसे बड़ी सख्त शिकायत है। ओ, वो सख्त? हाँ। वो कैसे? तुम पुणे में बच्चे या मुझे खबर तक नहीं? भाई मुझे भी क्या मालूम था तुम यहाँ बॉम्बे में रहते हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चलो घर। नहीं नहीं सख्त नहीं बाजी, मैं एक कॉन्फ्रेंस पे आया हूँ, शाम को 4 बजे फ्री हो जाऊंगा, उसके बाद ठीक है। अरे मुझे भी याद आया, एक बहुत इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट। जाओ जाओ, तुम यही ठहरे हो? हाँ हाँ, तो शाम को मैं ले चलूंगा। तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, अपना एड्रेस दे दो, हम खुद चले आएंगे। हाँ, क्यों आया? ये भी ठीक है, ये मेरा कार्ड। गुड। अच्छा अच्छा, भैया भैया भैया, तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। अरे मगर ओ शोभा, अरे वाह चाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वाह वाह, बड़ी अच्छी चाय है। शोभा, मेरा दिल चाहता है कि मैं तुझे दीदी कहा करूं। क्यों? तू मेरा इतना ख्याल क्यों रखती है? छोटी बहन बड़े भाई का ख्याल नहीं रखती है क्या? वाह वाह वाह, देखा नहीं कितनी मेरी छोटी बहन है इस घर में और मेरा कितना ख्याल रखती है। अरे शोभा, तेरे आने से पहले इस घर में मुझे लोग दो कौड़ी का भी नहीं समझते थे। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? अरे ठीक ही है, दरअसल बात यह है कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ और मुझे जरा इस संगीत की बीमारी है, इसलिए इस घर के सारे लोग मुझे निकम्मा समझते हैं, समझते हैं कि मैं कोई काम ही नहीं कर सकता। चाचा जी के साथ काम पर जाया करो ना। अरे वाह, वो मुझे काम पर क्या ले जाएंगे, वो तो यकीन भी नहीं करेंगे कि मैं काम भी कर सकता हूँ। एक तरीका है तुम्हें काम का आदमी बनाने का। वो क्या? घर में भाभी आ जाए, वो तुम्हें ठीक कर देंगी। अरे शोभा शोभा, तुमने इस बारे में कोई चर्चा सुनी है क्या? अरे नहीं सुनी है तूने? अरे मैंने तो उड़ती उड़ती बहुत सी खबरें सुनी है, मैंने यहाँ तक सुना है कि कुछ फोटो भी आए। हाँ, अगर मेरे हाथ लग गए ना तो मैं तुझे जरूर दिखाऊंगा पसंद करवाने के लिए, और अगर तेरे हाथ लग जाए तो तू भी मुझे दिखा देना। है मेरे हाथ कहाँ लगेंगे भैया, अगर बाई चांस लग जाए तो। भैया तुम्हारे पास पढ़ने की कुछ किताबें हैं? तुझे पढ़ने का शौक है? अरे तुम्हें लाइब्रेरी से सैकड़ों किताबें लाऊंगा तेरे लिए। लाना जरूर। अरे बिल्कुल। शोभा, ए शोभा, मैं चलूँ, चाची जी बुला रही हूँ। अच्छा। चाची। अरे सुनती हो, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। मैं यहाँ हूँ। क्या है इतनी जल्दी? कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो, तुमने तो कहा था रात को देरी से आओगे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे वो लोग जो आ रहे हैं। कौन? डॉक्टर। डॉक्टर? हाँ डॉक्टर सुरेंद्र नाथ, मेरा बचपन का साथी, याद है? ओ, वो गांव वाला डॉक्टर? हाँ वही। हाँ। आज अचानक 15 साल के बाद मुलाकात हुई। अच्छा, इस बीच वो 2 बार विलायत हुआ आया है, पुणे में जमी हुई प्रैक्टिस है, जमीन है जायदाद है, काफी माल कमाया मेरे यार ने। अच्छा? हाँ, देखो ये भी भगवान की इच्छा है। क्या? अरे उसका लड़का भी डॉक्टर है, 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है, लड़का भी कुंवारा है, देखने सुनने में बहुत खूब है, बस उसे देखते ही मैंने सोचा रूपा की शादी उसे करा दे। तो हाँ, इसीलिए तो उन्हें यहाँ बुलाया है, अभी आते होंगे, 5 बजे आने को कहा था। देखो तुम रूपा को तैयार करा दो। हाँ सुनो, यह मामला तय होना ही चाहिए। हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। शाबाश। अरे रूपा,
ओ बिटिया, अरे जल्दी चल, ऊपर तैयार हो जा, जल्दी चल, जल्दी चल, जल्दी चल ना। अच्छी बिटिया, जल्दी चल। आओ आओ। उसने बेटे को नहीं लाए, कोई उसकी ड्यूटी थी, मगर वो तो यहीं रहता है, फिर किसी दिन आ जाएगा। आओ बहन। आओ। मकान तो बहुत बढ़िया बनवाया विशंबर प्यारे। हाँ भाई, बना लिया है। दूसरों के मकान बनाता हूँ, अपना भी बना लिया। कहीं की ईट, कहीं का रोडा। अच्छा भाई, भानुमती का कुनबा देखोगे? क्यों नहीं। अरे कहाँ हो हरीश, रूपा, सोना, तोटा, भोटा? अरे जल्दी आओ नीचे। अच्छे नाम रखे। अरे क्या कहने, देख तो लो, एक एक नंग है। लो भाई, आ गए सब। ये हरीश। हाँ नमस्ते। मेरा प्रिंस ऑफ वेल्स। अच्छा। बड़ा होनहार लड़का है, काम काज कुछ नहीं करता। अरे क्यों शर्मिंदा करते हो लड़के को? ये और शर्मिंदा। ये है रूपा, ये है सोना, ये भोटा। नहीं, मेरा नाम है टोटा। हाँ हाँ टोटा, ये है भोटा, अब वो है गुड्डी। नमस्ते। नमस्ते। और देख लो भाई, ये है विशंबर नाथ की पलटन। बस इतने? बस। हाँ हाँ बस। गुड्डी जी। शोभा तू रसोई का ख्याल रख, मैं भी आती हूँ। आ गुड्डी दूध पी ले। टोटा फोटा तुम लोग भी आओ। ये लड़की कौन है? इनके गांव के रिश्ते के भाई की लड़की। शोभा सुनील भैया की लड़की। ओ अच्छा। हाँ तो सुनील भैया क्या आप भी गांव में मास्टरी कर रहे हैं? तुम्हें पता नहीं? नहीं तो। सुनील भैया का देहांत हो गया। I'm so sorry. अनाथ हो गई बेचारी, जब से यहाँ ले आए तब से पड़ी है। ये आपने बड़ा अच्छा किया। अरे चलो चलो ऊपर चलो। आइए। अरे विशंबर जी, ये तस्वीरें तुम्हारी मुबारक कोशिशों का नतीजा। मेरी? ये राम भजो, ये तो रूपा की बनाई हुई तस्वीरें हैं। ओ कैसी बनाती है तस्वीरें? एक्सेलेंट, वेरी गुड। बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती है। सीख रही हूँ चाचा जी। सीखो सीखो, जरूर सीखना चाहिए। कॉलेज के बाद इसका सारा समय इन्हीं कामों में बीतता है, सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग। तब तो बड़ी होशियार लगती है। रूप और गुण दोनों में लक्ष्मी। क्या नहीं क्या नहीं, बाप का नाम विशंबर जो है। दम, दम, चुप रहा जी। अच्छा भाई चुप रहा, चाय वाय का इंतजाम तो करो। हाँ हाँ अभी करती हूँ। रूपा बेटी तू जब तक सबको गाना सुना। गाना नहीं, नहीं नहीं चाचा जी, गाती भी है नाचती भी है दोनों। तो फिर दोनों हो जाए। सोना बेटी हरीश को कहना तबला ले आ जल्दी। यशोदा मैया इसको संभाल, बड़ा नटखट है तेरो नंदलाल, बड़ा नटखट है तेरो
अच्छा भजन गाया। पसंद आया? ब्यूट। जब भगवान की दया है। अच्छी सितार बजाती हैं छोटी। और वो छोटी वाली को देखिए ना, कितना अच्छा नाचती है। इधर इधर छोटी आजा आजा। धर्मा बहन, आपकी बेटी जिस घर में जाएगी वो घर सुखी हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चाची जी क्या है? हाँ बेटी क्या हो? तुम्हारा नाम शोभा है ना? अच्छा मेरा नाम क्या है, पहचानती? कैसे पहचानूंगी, जब पिछली बार तुम्हें देखा था तू इतनी सी थी। मेरा नाम सुरेंद्र है। सुनील जो थे ना वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते थे और मुझे चाहते भी बहुत थे। शोभा तू कुछ कहने आई थी ना? जी हाँ चाची जी, चाय और नाश्ता तैयार है। अच्छा चलिए चलिए। भाई अमर को जरूर भेजना। हाँ भेजूंगा। ऐसा लगता है इन लोगों ने अपनी रूपा को पसंद कर लिया है। मेरा भी यही ख्याल है। तो फिर क्या करती हो, इन लोगों के पूना लौटने से पहले बात छेड़ूं शादी की? नहीं अभी नहीं। क्यों? आजकल का लड़का है अमर, ना जाने अपने माँ बाप की पसंद पर राजी हो ना हो। ये भी ठीक है। तो फिर मैंने सब सोच लिया है। क्या? यही तो रहता है ना अमर। पहले उसे घर बुलाएंगे फिर मेल जोल बढ़ाएंगे। अरे ये काम तो मैं कर लूंगा, मेल जोल बढ़ाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वाहरी तुम्हारी बुद्धि। अरे तुम्हें थोड़ी मेल जोल बढ़ाना है। तो फिर? अरे ओ समझा समझा, रूपा और अमर का मेल जोल, शाबाश। अरे तुम्हारा जवाब नहीं सुन रहे। क्या कर रहे हो, बच्चे देख लेंगे। क्या हो रहा है? देख तो रहे हैं क्या हो रहा है। ओहो कितनी मेहनत कर लेती हो तुम। कुछ चाहिए आपको? हाँ तो चाहिए क्यों नहीं, अगर एक प्याली चाय। अब जाइए मैं भेज देती हूँ। नहीं नहीं तुम बना लो, मैं यही पी लेता हूँ। ए शोभा, ए शोभा देखो, शोभा फिर वही सिलबट्टा और मसाला। मुझे तो ऐसा लगता है तू इस घर का मसाला पीसते पीसते एक दिन खुद मसाला बन जाएगी। चाय पियोगे क्या? अरे क्या चाय पियूंगा, सब कुछ देखते हुए मैं कुछ नहीं कर सकता, बिल्कुल निकम्मा हूँ मैं। देखो भैया फिर कभी ऐसी बात करोगे तो मैं बहुत गुस्सा करूंगी, मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। कितनी सीधी है तू। यही कहने आए थे क्या? अरे नहीं नहीं सुन सुन, मैं ये कहने नहीं आया था, दरअसल मैं तुझसे एक राय लेने आया था। जरा एक दफा फिर इन फोटो को देखकर बताना कौन सी अच्छी। मैंने तो बताया था। और एक दफा फिर बता देना। बता 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 कौन सी अच्छी है? ये अच्छी है। और ये 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 पैंट वाली कैसी है? ये भी अच्छी है। धत क्या अच्छी है, ये तो बीए पास है। तो क्या हुआ? और मैं आई ये बीए फू कैसे चलेगा? आई ये बीए। हाँ ये कौन सी डिग्री हुई भैया? आई ये बीए, आई ये बीए नहीं जानती, इंटर अपीयर्ड बट फेल। अगर ये पैंट वाली घर में आ गई ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बात बात में यस नो मिस्टेक निकालेगी। इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि ये अच्छी है। ये तो बहुत ही अच्छी है, मगर क्या करूँ, अम्मा से इसके मान पाने की बात नहीं पड़ रही है। देखो भैया हाँ? एक काम करो, महालक्ष्मी में प्रसाद चढ़ाओ हाँ? सब कुछ ठीक हो जाएगा। तू मजाक करती है। नहीं भैया मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। सच कह रही? अच्छा तो फिर ऐसा कर, महालक्ष्मी को प्रसाद तू चढ़ा दे और अभी मेरे दोस्तों के लिए दो कप चाय फटाफट भेज दे। और देख जरा कड़क होनी चाहिए, कड़क कड़क। बिंदु क्या एक काम है? ऐसे ही तो छह घरों का काम है, अब और काम नहीं लूंगी। नहीं वो काम नहीं, मेरा काम ये रख लो, बाद में और मिलेगा। क्या करना होगा? ये शोभा जो है ना ये बुलबुल जरा आसानी से अड्डे पर बैठ नहीं रही है। हाँ बड़ा मिजाज। इसीलिए तो तेरी मदद की जरूरत है। ठीक है बिंदु के रहते आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तभी तो तुझे मैं इतना प्यार है। अरे अरे वाह कितनी जल्दी चाय लाई हो मेरे लिए। आपके लिए नहीं हरीश भैया के लिए। यस ओ यस, तुम कौन हो बताओ, तुम्हारा नाम है क्या, तुम्हारा नाम है क्या? आज तुम कौन हो बताओ, तुम्हारा नाम है क्या, तुम्हारा नाम है क्या? एक
अजनबी नजर का यहाँ काम है क्या, तुम्हारा नाम है क्या? अजीक अजनबी नजर का यहाँ काम है क्या, तुम्हारा नाम है क्या? अजी तुम कौन हो बताओ, तुम्हारा नाम है क्या, तुम्हारा नाम है क्या, तुम्हारा नाम है क्या? लो भैया चाय पी लो, ये लो चाय। अरे वाह चाय आ गई, गले साफ करो, गले साफ करो। ये शोभा शोभा शोभा, मैंने एक बड़ी फड़कती हुई तर्स बनाई, पहले तर्स सुन ले, तर्स सुन ले। बस 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 वही ना अभी जो गा रहे थे। हाँ है ना फड़कदार गरजदार। सच बोलूं भैया? हाँ वो तो कुछ भी समझ में नहीं आते। हाँ। थे शोरगुल ही ज्यादा था। मैं पहले कहता था ना, क्या कहता था कि इसमें शोरगुल ज्यादा है। अरे आजकल शोरगुल ही तो चलता है। अरे तो क्या गधे की तरह चिल्लाने से काम चलता है? तो क्या चूहे की तरह चूचू चूचू करने से काम चलता है? ए मिस्टर अगर तुमको शोर ही सुनना है तो किसी सट्टा बाजार में जाके बैठो। चुप बे फटाफट, तुझे क्या मालूम? अरे तो तुझे क्या मालूम? चुप। अच्छा शोभा, ए शोभा तुम ही गाकर बताओ ना। मैं? आप ही बताइए ना। बताइए ना, बताइए। शर्मा मत, गा 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 गा। तुम कौन हो बताओ, तुम्हारा नाम है क्या, इस अजनबी नजर का यहाँ पे काम है क्या? यही था सर। ये तो आपने पढ़ा, जरा गाकर सुनाइए। हाँ गाकर नहीं ना। बताओ तुम्हारा नाम है क्या, नाम है क्या, एक अजनबी नजर का यहाँ पे काम है क्या, काम है क्या? बस अब तुम से नहीं होता। अरे 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 बाबा तू तो बहुत अच्छा गाती है। और का और का और का और का। पहले सोच लो फिर सुनाऊंगी। हाँ अरे मगर सुन लो। अरे गाना इसको कहते हैं। हम वो नहीं जो मान ले यूं ही
रहते हैं बेपरा प्यार से ज्यादा कोई बदनाम है क्या बदनाम है क्या तुम कौन हो बताओ तुम्हारा नाम है क्या एक अजनबी नजर तो यहाँ पे काम है क्या तुम कौन हो नमस्ते नमस्ते आप जी मैं अमर हूँ आपके पिताजी हैं घर पर मेरे पिताजी ये मकान विश्वमर बाबू का है ना जी हाँ आप कहाँ से आ रहे हैं आया तो मैं यहीं से हूँ पुणे के डॉक्टर सुरेंद्रनाथ है ना जो उस दिन आपके यहाँ आए थे मैं उन्हीं का लड़का हूँ पहचाना आपने आइए ना अंदर आइए बैठिए अजीब इत्तेफाक है आपके पिताजी और बाबूजी बचपन के दोस्त हैं मगर हम लोग आज तक एक दूसरे को पहचानते भी नहीं थे बाबूजी पहचानने में भूल कर रहे हैं क्या मतलब माँ तो कह रही थी कि विश्वंबर चाचा जी की लड़की वो मैं नहीं रूपा है और आप मेरा नाम शोभा है रूपा की चचेरी बहन खैर बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर बहुत अच्छे गाती हैं आप बैठी ना हाँ चाचा जी कहाँ हैं काम पर गए हैं और चाची जी चाची जी भी शॉपिंग पर गई हैं मैं बड़े बेवक्त आया आप बैठी ना चाची जी आती होंगी मैं आपके लिए चाय बनाकर लाऊं सुनिए आज मुझे इजाजत दीजिए मैं कल आऊंगा आप उनसे कह दीजिएगा कि अमर आया था देखिए अगर चाची जी को पता चला कि आप आए और बगैर मिले चले गए तो चाची जी को बड़ा अफसोस होगा अफसोस होगा तो उनसे मत कहिएगा कल शाम को ठीक 5 बजे मैं आऊंगा जैसी आपकी मर्जी माफ कीजिएगा मेरे आ जाने की वजह से आपको गाना बंद करना पड़ा वाकई आप बहुत अच्छा गाती हैं एक दिन सुनूंगा आपसे अच्छा नमस्ते चाची जी तेरा यहाँ का सब काम खत्म हो गया जी हाँ 5 बज रहे हैं 5 ही बजे अमन ने आने कहा था ना जी तो फिर आता होगा रूपा ए रूपा जी माँ अरे तू अब मुँह हाथ धो के निकल रही है इतनी देर कर दी क्या करूँ तेरा इनकी शादी कर दो दीदी की शादी कर दो चुप ये हरीश के लफंगे दोस्तों को आज ही आने को रह गया था जाओ जाके बाहर मना करो इतना शोर ना करे और तुम लोग सबके बाहर बैठो चलो हरीश शोभा तू यहाँ क्या कर रही है जल्दी जाके पूरी यहाँ चलना शुरू कर अभी भेज जाती जी अरे उठ जल्दी अच्छा तो बेटे दीदी जरा अच्छे से मेकअप करना चांटा मारूंगी सोना अरे जल्दी जल्दी करना बस हमारा आता ही होगा तो आया करे ना न जाने कौन है कैसे है बस उनके लिए सजधज के बैठूं जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कर जल्दी तैयार हो जा जल्दी करना धन्यवाद दीदी क्या हुआ बिंदु 24 घंटा काम में जुटी रहती हो कभी 2 घड़ी दम भी लेती हो दम तो लेती हूँ सच मैं तो हार मान गई कुछ दिन जगत बाबू भी यही कह रहे थे तुम्हारा इतना दुख देखा नहीं जाता उनसे रहने दो बिंदु कौन क्या कहता है वो मुझे सुनाने की कोई जरूरत नहीं तुम तो बेकार नाराज हो रही हो मुझ पर मैंने तो ऐसे ही कहा कैसे कहा वो मैं अच्छी तरह समझती हूँ जाओ अपना काम करो आप ही अमर बाबू है ना जी हाँ नमस्ते जी मैं हरीश हूँ हरीश हाँ अरे आपका नाम तो मैंने सुना है मेरा नाम आपने सुना है हाँ लेकिन अभी तो मेरा इतना नाम नहीं हुआ जी मैं मतलब ये कि अभी इतना फेमस तो नहीं हुआ मैं ओ अच्छा अच्छा हाँ वैसे कोशिश जरूर कर रहा हूँ बड़ा अच्छा गाता हूँ सुनेंगे आप क्यों नहीं आइए अमर बेटा आइए आइए मेरा कमरा इस तरफ है आपको भी एक लेटेस्ट कंपोजिशन सुनाता हूँ लेटेस्ट रहने दे अपनी पोजीशन अपने पास अभी अभी लड़का आया उसने ना कुछ खाया ना पिया पोजीशन सुनाने की जल्दी हो गई चलो बेटा पहले कुछ खा पी लो अच्छा भाई फिर कभी सुन लूंगा अभी आ जाइएगा ना ये है मेरी बड़ी बेटी रूपा नमस्ते
कॉलेज में पढ़ती है, बीए में है सर। आज कॉलेज नहीं था आपका? था तो सही, लेकिन मैं गई नहीं, मम्मी को शॉपिंग पे जाना था इसलिए इनके साथ चली। अच्छा। इसके बगैर तो मेरा कुछ काम ही नहीं होता, जब बाजार जाती हूँ इसे अपने साथ ले जाती हूँ, बड़ी अच्छी पसंद है इसकी। किस कॉलेज में पढ़ती हैं आप? विल्सन कॉलेज में। अरे तुम इसे आपा क्यों कर रहे हो? ये तो छोटी है तुमसे। ठीक है फिर तुम ही कहूँगा। आ बैठो। चल हम लोग बॉल खेलेंगे, चलो। क्या नाम है तुम्हारा? गुड्डी। अरे वाह, और तुम्हारा? सोना, सोनलता। इतने बड़े नाम के बजाय छोटा सा नाम अच्छा है, सोना, है ना? अच्छा बेटा तुम लोग यहाँ बैठ के बातें करो, मैं जाके जरा उधर रसोई देखाऊं। अच्छा। वहाँ जाए बिना भी तो काम नहीं चलता। क्या हुआ? होमवर्क, आज टीचर ने 25 सम दिए थे होमवर्क के लिए। जरूर कोई शरारत की होगी। हाँ, एक लड़के के पीछे तारका करके चिपका दिया था। तारिका तो तू है और आप मेरी बड़ी बहन। चल गुड़ी, चल। देखा आपने कितनी शरारती है। बच्चे शरारती अच्छे लगते हैं। मेरी छोटी बहन अंजू, वो भी बचपन में बहुत शरारती थी। अच्छा, लेकिन आपकी तो दो बहनें हैं ना? जी हाँ, उससे बड़ी है मंजू, उसका मिजाज कुछ अलग ही है वो मुझसे छोटी लेकिन मैं उससे घबराता हूँ। चाचा जी नहीं है घर पे? जी नहीं, आज सर वो देरी से आएंगे। जल्दी है क्या? जी नहीं, नहीं। हमारी बालकनी में से व्यू बहुत अच्छा नजर आता है। अच्छा? आप देखेंगे? चलिए। तू कहाँ जा रही है? ला मुझको दे। अमर जी, आप बेटा नाश्ता करो। इसकी क्या जरूरत थी चाची जी? इसकी जरूरत मैं समझती हूँ। देखो गरम गरम पूरी अपने हाथ से तल के ला रही हूँ, खाओ। इतना सारा मुझे नहीं खाया जाता। खूब खाया जाएगा, हॉस्टल में क्या घर का जैसा खाना मिलता है? और देखो आज रात का खाना भी यही खा के जाना। हाँ जी नहीं, आज नहीं चाची जी, फिर कभी आके खाऊंगा। कब? परसों। परसों? अच्छा अच्छा ठीक है, परसों वो भी रहेंगे घर में। अच्छा हाँ, अब बैठो। तुमने हाथ क्यों रोक लिया बेटा? और खाओ। बस और नहीं। लो थोड़ा तुम्हें और खाना पड़ेगा, पूरा नहीं खाओगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। और कितना खाऊं चाची जी? वाह थोड़ा सा खाओ। बेटा तुम और खाओ। हाँ। मैं अभी आती हूँ। के कमरे में झांकने गई थी? जी चाची। खबरदार जो फिर कभी उधर गई, अपनी औकात में रह, ज्यादा पर नहीं निकाल, समझी? तुम्हारी और एक बहन है ना? कौन? एक तो सोना है और उससे छोटी वाली गुट्टी। नहीं नहीं नहीं, वो कल जो मिली थी शोभा, वो तुम्हारी चचेरी की बहन है ना? हाँ, दूर के रिश्ते की, माँ बाप नहीं रहे, अनाथ और बेसहारा देखकर बाबूजी को तरस आ गया, इसीलिए घर में रख लिया गया। अरे वाह, खेल खूब जमा इन लोगों ने, मैं जरा देख के आऊं। बहुत अच्छा खेल रहे हो। मैं आज नहीं, फिर किसी दिन खेलूंगा। अमर को अकेला छोड़ के चली आई? नहीं, वो बच्चों के साथ बाहर खेलने गए हैं। अरे तो तू यहाँ क्या करने आई है? ये धुआं धक्कड़ में तेरा रंग काला हो जाएगा, बहुत गर्मी है, जा बेटी जा ना। अरे दो पूरी दे। हरीश कहाँ है? भैया तो बाहर गए अपने दोस्तों के साथ। ओ, खेलो खेलो खेलो। और दो
ला दे दो। चाची जी मैं क्या है बेटा? जी मैं यही कहने आया था कि मुझे इजाजत दीजिए। चाहोगे अभी से? बैठो थोड़ी देर, कुछ गपशप करो। जी मैं आई तो रूपा से गाना सुनो, बड़ा अच्छा गाती है, सुना है कभी तुमने? जी मैं वो फिर कभी सुन लूंगा, और परसों तो मैं आ ही रहा हूँ, हॉस्पिटल में मेरी ड्यूटी है। अभी आए अभी चले, मैं तो सोच रही थी खिला पिला कर भेजूंगी। खा तो लिया चाची। क्या खाया है? नाश्ता ही तो किया है, और वो भी थोड़ा सा। थोड़ा सा? आप उसे थोड़ा सा कहती है? चाची जी मेरा पेट तो कह रहा है कि नाश्ते के नाम पर पूरा डिनर ही खा लिया। लो तुमसे थोड़ी ही जीत सकती हूँ बातों में मैं, मगर देखो अब से हर शनिवार को तुम यहाँ आ जाया करो, समझे? अच्छा। माया और डॉक्टर देवर जी कह गए थे हम लोग तुम्हारी देख देख करें, इस घर को बिल्कुल अपना ही घर समझो, जब जी चाहे चले आओ। जरूर आऊंगा। फिर परसों? हाँ परसों। देखो शोभा, बिना कहे अमर के सामने कभी मत आना, समझी? राम राम राम, खाने भी नहीं देते, कहाँ गया? अरे जल्दी जल्दी दे, तरकारी दे, चार पूरी दे, जल्दी दे। नमस्ते। नमस्ते। तुम कहीं जा रही हो क्या? नहीं तो मैं तो आपकी का इंतजार कर रही थी। अच्छा। हाँ। चाची जी कहाँ? अंदर होंगे किचन में, आइए ना। चलो पहले उनसे मिल लेते। नहीं मैं उन्हें ऊपर ही बुला लूँ। उन्हें क्यों तकलीफ देने लिए? चलिए ना। आइए आइए और अब बैठिए। क्या बात क्या है, आज आप इतने उखड़े उखड़े किचन में? नहीं तो? तो फिर कुछ बात कीजिए ना। बात क्या बात करूं, तुम्हें कुछ बात करो ना, लेकिन कविता की बात नहीं। हाँ अच्छा ठीक है, फिल्मों की बात नहीं? फिल्म? फिल्मों के बारे में मुझे ज्यादा कुछ मालूम नहीं, लेकिन कभी कभी देख लेता हूँ। ठीक है तो फिर बताइए आपको कौन सी हीरोइन ज्यादा अच्छी लगती है? हीरोइन? मेरा मतलब ये है कि किसका काम आपको ज्यादा अच्छा लगता है? देखो मैं किसी को नाराज नहीं कर सकता, सभी अपनी अपनी जगह पर अच्छा काम कर लेती है। बात बनाना और टालना तो कोई आपसे सीखे। अरे टोटा फोटा बॉल खेल रहे हैं, मैं भी जरा खेल कर आऊं। नहीं 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 नहीं, ये क्या है? मैंने वादा किया था कि एक दिन आके जरूर खेलूंगा। नहीं लेकिन आज नहीं, इतने दिनों की बात तो आए हैं आप। मैं अभी जाकर आ जाऊंगा। हम बुरा मान जाएंगे। रियली तुम बुरा मान जाओगे? सुनो क्या है, इधर देखो। मैं यूं गया और क्यों आया? सुना मेरा फेसबुक ऊपर रह गया, लेके आना। अरे यहाँ क्या कर रही हो? अमर चला गया क्या? गेम खेलने गए हैं बच्चों से। तो तू भी जाना? मैं जाके गेम खेलूंगी क्या? लो ये मैंने कब कहा, मगर देख तो सकती है ना, मैं नहीं जाती। बड़ी ना समझ लड़की, तू अपना काम कर। पकड़ो 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 पकड़ो, लो चलो। चाची जी क्या हो रहा है? क्या दिख रहा है? चल चल जा चल। चाची जी आप इस वक्त इस रसोई घर में क्या कर रही हैं? लो और सुनो लड़के की, अरे बेटा जिंदगी भर मैं यही करती रही। चाची जी चूल्हे चक्की में जिंदगी बिताने के दिन लद गए। हाँ। अभी तो आपको एक फर्स्ट क्लास रसोई रखना चाहिए। ठीक है मैं कहूंगा चाची जी। यहाँ कहाँ बैठा, तेरे सारे कपड़े खराब हो जाएंगे। अरे कोई है रूपा? अरे और रूपा अमर को लेते अपने कमरे में। चाची जी मैं तो आप ही से मिलने के लिए आया हूँ। मेरे पास आया है? हाँ? तो चल बाहर वाले कमरे में बैठ। नहीं नहीं चाची जी ठीक है, ये तो फर्स्ट क्लास जगह है। यहाँ आप अपना काम भी करती रहेंगी और मैं आपसे बात भी करता रहूंगा। अरे आप क्या बात है, आप कोने में क्यों खड़ी? अरे हाँ तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है, जा अपने कमरे में जा। हाँ अब कहो बेटा क्या कह रहे हैं? क्या कह रहा था? ओहो एक बात तो मैं भूल गया। क्या? जर्मनी से स्पेशलिस्ट आए हैं और आज उनका लेक्चर है,
और मैं सब भूल भर कर यहाँ पहुँच गया। मैं चलता हूँ चाची। अरे बेटा, मैंने तेरे लिए खीर बनाई है, तू खा के जाना। माया बहन कहती थी तुझे खीर बहुत पसंद है। चाची जी, खीर मैं फिर कभी खा लूंगा। अभी भी टाइम है, मैं पहुँच सकता हूँ। मैं चलता हूँ चाची जी। जी हाँ, मैं इधर से जा रहा था, अचानक आंधी आ गई, इसलिए सोचा कि आइए ना अंदर आइए। नहीं नहीं, अंदर जाऊंगा तो रोक लिया जाऊंगा। मुझे हॉस्पिटल अटेंड करना है। मेरे आने से आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही जी? यानी कि मेरा मतलब है, आपके काम का कोई हर्ज तो नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा क्या काम है मेरा? अच्छा, मेरा तो ख्याल है कि आप हर वक्त काम ही क्या करती है। नहीं तो? तो फिर शायद आप मुझे कोई हवा समझ कर डरती होंगी। और नहीं तो क्या, मैं जब भी आता हूँ ना जाने आप कहाँ छुप जाती है, कहीं नजर ही नहीं आती। अच्छा, एक बात पूछूं? कही? आप हम लोगों के साथ कभी कहीं जाती हैं क्यों नहीं? कल हम लोगों को पिक्चर जाने का प्रोग्राम है, चलेंगी? चलिए ना। नहीं, मैं नहीं जा सकूंगी। क्यों? मुझे काम है। ये देखिए, काम की दुहाई दी ना आपने। ठीक है, ऐसा कोई दिन निकालिए जिस दिन आपको कोई काम ना हो, उसी दिन चलेंगे। मेरा जाना बहुत जरूरी है क्या? हर्जी क्या, सभी तो जाते हैं, एक आप ही नहीं जाते। मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या, सिनेमा या हम लोगों का साथ? घर से बाहर निकलना। घर से? यूं कहिए रसोई घर से बाहर है ना। बादल घिर रहे हैं बड़े जोर से। हाँ, आपकी आंखों की परछाई जो पड़ रही है आसमान पर। मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए, मैं चलो। अभी लाती हूँ।
भीगने में तो मजा है। क्यों, आपको पानी में भीगना अच्छा नहीं लगता है क्या? अरे ये क्या, मैंने तो सिर्फ पानी मांगा था। सिर्फ पानी नहीं दिया जाता। अब इस बरसात में क्या जाएंगे, अंदर आइए ना, रूपा कॉलेज से आती ही होगी। आपकी बहन के दर्शन ऐसे दुर्लभ नहीं, लेकिन ये छुट्टी, ये बरसात, ये घटाओं की छटा रोज रोज कहां मिलेंगे। अरे आप मेरे लिए खाम का क्यों भींग रही हैं? मैं चला। आज शाम को आप आएंगे ना? बस आ तो लिया।
वाह, तुम इतना अच्छा गा लेती हो मुझे आज ही मालूम हुआ। तुम्हारे गाने से सुहाना समा और भी खिल उठी। देखो ना क्या चांद निकला है आज। आप चांद देखिए, मैं जाती। जाती कहाँ हो? एक बात तो सुन लीजिए। मुझे फुर्सत नहीं। ओहो, मेरी एक बात सुनने की फुर्सत नहीं? लेकिन आज मैं कह कर ही रहूंगा। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। जगत बाबू, आइंदा कभी ऐसी बाहियात बातें मुझसे न कीजिएगा। तुम्हारा अपना ही हमारा। शोभा, तू ये साड़ी क्यों नहीं पहनती? सिलाई करनी थी इसलिए नहीं पहनी, अब पहनूंगी। अरे हाँ, ये तो फट गई थी ना कहीं कहीं से। अरे वाह, तूने तो बहुत अच्छा सिया है, फटा ही नहीं चलता। शोभा, तूने कभी प्यार किया है किसी से? नहीं। जानती है प्यार क्या होता है? क्या? ये भी नहीं जानती? अरे सुना भी नहीं? छोड़ना इसे, सुनना। मुझे समय नहीं। थक, बड़ी भोली है तू। अगर तुझे ये भी मालूम होता कि प्यार क्या है तो समय का ध्यान ही नहीं होता। दिन रात बस प्यार की ही बातें सोचा करती। कैसी कैसी बातें करते हैं लोग प्यार में। अमर की ही बात सुन। अरे क्या हुआ? हाँ देखो तो। कुछ नहीं, सुई चुभ गई थी। इसीलिए तो कहती थी छोड़ना इसे। देख इतनी सारी बातें करते हैं लेकिन जैसे दिल ही नहीं भरता। मुझे ये कल चिट्ठी लिखी, पढ़ने इसे? मैं नहीं पढ़ती। अच्छा तो फिर मैं पढ़ती हूँ, तू सुन। हाँ रूपा, मेरी रूपा। मुझे बड़ा अफसोस है कई दिन से तुम्हारे पास नहीं आ सका, पर क्या करूं, अस्पताल के कामों में ऐसा उलझा हुआ हूँ कि वक्त ही नहीं मिल पाता। रूठना मत रूपा, मैं एक दो दिन में जरूर आऊंगा। तुम्हें देखे बगैर तो दिल को चैन नहीं मिलेगा। बहुत बहुत प्यार के साथ तुम्हारा अपना ही अमर। सोचती हूँ मैं इसका एक जवाब लिख दूँ। दिन भर दुनिया की खबरें पढ़ते रहोगे या कुछ अपने घर की भी खबर लोगे? ये बम क्यों बरसा? कितने दिन हो गए अमर नहीं आया? अरे जागते हैं, काम काज में लग गया होगा। तो खबर भिजा दी होती, कम से कम टेलीफोन कर दिया होता, चिंता तो दूर होती। उधर बेचारी रूपा परेशान है, तुम जाओ ना। जो हुकुम सरकार। दीदी एक बात तो कहो। अमर बाबू की बात? क्या बात है? अमर बाबू तो कल आए थे। कल आए थे? हाँ, तुम्हें नहीं मालूम? नहीं। कब? जब पानी बरस रहा था। तुम तो कॉलेज गई थी, माँ जी ऊपर थी। मैंने देखा वो और शोभा दीदी दोनों पिछवाड़े खड़े हंस हंस के बातें कर रहे थे और पानी में भीग रहे थे। शोभा। क्या? मुझे नहीं मालूम था कि तू इतनी बनी हुई है। क्या मतलब? मैं पूछती हूँ तुझे कुछ शर्म आया है कि नहीं? कैसी बातें करती हो? बंद मत। कल दोपहर में हमारे आए थे तो फिर तूने माँ को खबर क्यों नहीं की? वो रुके नहीं, तुरंत चले गए। तुरंत चले गए? सिर्फ जाने से पहले तेरे साथ थोड़ा सा हंसी मजाक कर गए थे, है ना? नहीं नहीं, झूठ बोलती है, बुलाओ बिंदु को। यूं तो ऐसी भीगी बिल्ली बनी रहती है जैसे कि कुछ जानती ही नहीं और दिल में इतना जहर भरा हुआ है। कमीनी कहीं थी? क्या बात है रूपा, क्या बात है? पूछो इसे माँ, कल दोपहर में अमर आया था तो इसने किसी को बताया क्यों नहीं? आया था। पूछो इसे, बोलती क्यों नहीं? मुझे याद नहीं रहा। हा, 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 तुझे कैसे याद रहता? तुझे तो बस हैरान की रोटियां तोड़ना ही याद है। हम लोग यहाँ परेशान है कि इतने दिनों से अमर क्यों नहीं आया, और अमर आया तो कौन जाने। माँ वो इस बीच कई बार आए हूँ लेकिन इस चुड़ैल ने उन्हें बाहर ही बाहर लौटा दिया। चोरी तो आज खुली है ना। इससे पूछो माँ ये उनसे क्या बातें किया करती है, क्या हंसी दिल्लगी किया करती है। क्यों शोभा, मैंने तुझे मना किया था ना कि अमर के सामने मत जाना? मैं कब गई थी? तू थोड़ी गई थी, वो खुद आए थे ना तेरे दीवाने बनके। देख शोभा, इस दुनिया में और बहुत सारे लोग पड़े हैं, उन पे डोरे डाल, लेकिन अगर अमर की तरफ आंख उठा के देखेगी तो मेरी तेरी आंखें निकालूंगी। छी छी छी,
जिसका दिया खाती है उसी के घर में आग लगाना चाहती है? बेशर्म, तुझे नहीं मालूम कि रूपा की शादी अमर से होने वाली है? नहीं मालूम है तो अब मालूम कर ले, और याद रखना अगर फिर तू कभी अमर के सामने गई और उससे हंसी बोली तो ठीक नहीं होगा, समझी? गूंगे बन के क्या खड़ी हो, मेरी बातें पड़ी तेरे कानों में? कौन? मैं। आज आप किस लिए आए हैं? बताता हूँ, इतनी धूप में चलकर आ रहा हूँ, पहले जरा साय में आकर दम तो लेने दीजिए। घर में कोई नहीं है? कौन? सभी कोई? आप नहीं जानते क्या, इस समय घर में सब कोई नहीं मिला करते? आप तो हैं। मेरी गिनती उन सब में नहीं होती। यानी आप अकेले ही उन सबके बराबर हैं? क्यों? रियली आज गर्मी बहुत है। सुनिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जरा गौर से सुनेंगे? कहां जा रही हैं आप? चाची जी को बुलाना। उन्हें बुलाने की क्या जरूरत है, मैं तो अभी चला जाऊंगा। अच्छा, वो किताब कौन सी है आपके हाथ में? सुनीता। बहुत अच्छी किताब है वो, प्रेमचंद की निर्मला पढ़ी है आपने? नहीं। ठीक है, मैं आपको ला के दूंगा। कोई जरूरत नहीं। क्यों, पढ़ना भी अच्छा नहीं लगता आपको? सवाल अच्छा या बुरा लगने का नहीं। फिर? सवाल है शराफत का। जी? आप इस वक्त यहाँ क्यों आते हैं? यूं ही? नहीं, आप यूं ही नहीं आते। तो? हर बात कहकर नहीं बताई जाती। देखिए, मैं गरीब जरूर हूं पर मान मर्यादा मेरी भी है, अपना अपमान मैं एक हद तक बर्दाश्त कर सकती हूँ। ये सब क्या कह रही? ठीक ही कह रही हूँ, इस घर में जल्दी ही आपका रिश्ता होने वाला है, इसलिए मैं आपसे कोई ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहती जिससे आपका मान घटे। आप खुद भी समझदार हैं, सज्जन हैं। मेरी असज्जनता का क्या सबूत पाया है आपने? बहुत सारे। मसलन? इस समय इस जगह आपकी मौजूदगी किस बात की गवाही देती है? किस बात की? आप अच्छी तरह जानते हैं कि रूपा इस वक्त घर पर नहीं होती। हाँ मैं जानता हूँ, पर मैं रूपा से मिलने के लिए नहीं आता। उसके सिवाय और किसी से मिलना आपके लिए ठीक है? क्यों? क्यों? आप खुद नहीं जानते, रूपा को जो आप खत लिखते हैं, खत, उनमें जो बातें होती हैं। मैं उसे खत लिखता हूँ? कभी नहीं, मैंने आज तक उसे कोई खत नहीं लिखा। ताज्जुब है, साफ इनकार कर दिया। इनकार क्यों ना करूं, मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, आप सच कह रहे हैं। जी हाँ, सुनिए, आप और भी सच सुनना चाहती हैं तो सुन लीजिए। जिससे मिलने के लिए मैं ही आता हूँ, इन सुनी दोपहरों के सिवा उससे कब और कहाँ मिल सकता हूँ ये मुझे नहीं मालूम। देखिए, मैं आपके सच या झूठ के हाथों का खिलौना नहीं बनना चाहती, आप यहाँ से चले जाइए। शोभा, मेरी बात तो सुनते जाओ। शोभा, बात पूछती है, सच सच बताना। क्या? क्या तुम अमर से छुप छुप के मिलती हो? जी। ठीक है, जो पूछती हूँ वो बताओ। क्या उस दिन के बाद से अमर आया था दोपहर में? अगर वो आए होते तो तुम्हें पता ना चलता? मुझे तो पता है। तो फिर क्यों पूछती हो? तुम्हारी सच्चाई परखने के लिए। बोलो, बताती क्यों नहीं? नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी? नहीं। कैसे नहीं बताएगी,
तुम्हें बताना ही होगा। जब तुम नहीं होगी तो वो किस लिए आएंगे? तुम्हारे लिए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम दोनों में क्या साथ-गांठ है। जिसके साथ कल तुम्हारी शादी होने वाली है उसके लिए तुम्हारे दिल में थोड़ी भी इज्जत नहीं? उन्हें तुम इतना गिरा हुआ समझती हो? ज़बान संभाल के बात करो। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। कहाँ जाती है? है? जाती कहाँ है? जाने दो मुझे। जाने दो? चलो नमकरा चढ़ा देंगे। ये जाऊँ नमकरा वो क्या किया है इसने? क्या नहीं किया है इसने? किसी से पूछो। ये अरे रूपा भैया क्या हो गया है तेरे को? रूपा बेसुरा लग रहा था ना? थोड़ा थोड़ा। ये सुरताल मैं क्या जानू, बिल्कुल बेसुरा कहो तो भी मान लूंगा। मेरे ही सामने बेसुरे बनते हैं आप और कहीं कहीं तो खूब सुर लगा लेते हैं। मैं समझा नहीं। जाने दीजिए, बैठिए ना। पहले ये बताओ ये बात क्यों कही तुमने? पहले आप बताइए कि दोपहर में अकेले शोभा के साथ क्या प्रेम लाभ होता है आपका? मेरा? हाँ, आपका। क्या आप समझते हैं कि मुझे कुछ पता नहीं? बताइए ना। आप नहीं बताएंगे लेकिन जानते हैं शोभा क्या कहती है आपके बारे में? क्या कहती है? कि आपका चाल चलन बिल्कुल बेमिसाल है। अच्छा। हाँ, और ये भी कहती है कि आप बड़े पहुंचे हुए आदमी हैं। शोभा कहती है? हाँ, और नहीं तो क्या मैं कहती हूँ? नमक हराम की बातें सुन के दिल जल जाता है, जी में आता है मारे तमाचों की मुंह लाल कर दूं। रिश्तेदार हुई तो क्या हुआ, हुआ करे, लेकिन आप भी तो अपने ही है ना। आपसे क्या छुपाऊं, बड़ी बदमाश लड़की है और जैसी खुद है वैसा ही सबको समझती है। न जाने क्या क्या बकती रहती है आपके लिए। और क्या कहती है? कहती है कि आप लोफर हैं। लोफर? हाँ, आपका चरित्र अच्छा नहीं, लड़कियों से चोरी छुपे मिलना ही आपका काम है और उन्हें बहला फुसला कर। शोभा दीदी, तुमको रूपा दीदी ने मारा? अरे अमर, तू यहाँ इस तरह चुपचाप बैठा क्या कर रहा? अबे हुआ क्या? मैं लोफर हूँ, बच्चलन हूँ, लड़कियों का बहलाना फुसलाना ही मेरा काम है। क्या बक रहा है? ठीक ही कह रहा हूँ। अरे वाह, कहाँ जा रही है? चाची जी को खबर देने। उन्हें खबर देने की कोई जरूरत नहीं, उनसे अगर मिलना होता तो मैं शाम को ही आता। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहने आया हूँ। कहिए। आपने मुझे जैसा आदमी समझा है या जो कुछ कहा है मेरे बारे में उस पर मैं कोई बहस नहीं करना चाहता, मगर यकीन मानिए आपसे मिलने या बात करने में मेरी नीयत कभी बुरी नहीं थी। माफ कीजिएगा, आपकी नीयत बुरी हो या भली इससे मुझे कोई सरोकार नहीं। मुझ जैसे गरीब और लाचार लड़की की आपसे एक ही प्रार्थना है, फिर कभी मुझसे मिलने की कोशिश ना करें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मगर मैं आपसे हैं। रास्ते छोड़िए। सवाल यह है कि ये बात दीदी को बता देनी चाहिए क्या? जाने दीजिए। हाँ हाँ, चलिए जाना, जरा मेरी भी तो सुनती जाओ। अरे कि वैसे ड्रामाई अंदाज में तो नहीं बोल सकूंगा जैसे कि
तुम्हारे वो क्या नाम अमर बाबू बोल रहे हैं, लेकिन मेरे दिल की बात यह है कि जितना ही तुम्हें देखता हूँ उतना ही दीवाना होता जा रहा हूँ। जाने दीजिए मुझे। अभी मेरा कसूर क्या है? तुम क्या सोचते हो तुमसे शादी करेगा? क्यों खाम खा? छोड़ मेरा हाथ। अब तो यह हाथ नहीं छूटेगा जब तक तुम अपनी मर्जी से मेरा हाथ पकड़ने के लिए तैयार ना। जाने दो मुझे। शोभा, ए शोभा। अरे कहाँ मर गई? ओह तुम यही हो, मैं अमर के हॉस्टल हुआ आया। अमर मिला? नहीं, चार दिन हो गए वो पुणे गया हुआ है, हॉस्टल भी छोड़ दिया उसने। क्यों? उसके एक दोस्त ने बताया कि इसी महीने वो बिलायत जा रहा है और कहता था जाने से पहले कुछ दिन वो माँ बाप के साथ रहेगा, इसीलिए उन्हें लेने गया है। यहाँ किसी होटल में स्वीट भी बुक कर गया है, मेरा ख्याल है सब लोग वहीं आके रहेंगे। कब आ रहे हैं पूछा था? 11 तारीख को यानी परसों। परसों? और 2 दिन बाद 14 तारीख को हरीश की शादी है। सुनो, शादी का कार्ड सुरेंद्र को पहुँच गया होगा। हाँ हाँ वो तो पहुँच ही गया होगा, लेकिन मैं सोच रही थी कि परसों हम दोनों खुद वहाँ क्यों नहीं चले। क्यों? अमर के विलायत जाने के पहले रूपा के हाथ भी पीले कर दे। ये ठीक है, परसों ही बात पक्की कर लेती हूँ। हाँ फिर वही बात। अरे ऐसे नहीं, पहले उनको होटल से घर लाएंगे। हाँ ये भी ठीक है, हर बात के लिए मौका माहौल होना चाहिए। ये बारात देखे किसका दिल दूल्हा बनने को नहीं करता, फौरन तैयार हो जाएंगे। वैसे अमर तो राजी है ही। वो तो है, लेकिन लेन देन की बात भी तो तय करनी होगी। लेन देन? वो लोग ऐसे नहीं है। रहने दो तुम अपने ऐसे वैसे। अरे पैसा किसी को काटता है क्या? अभी तुम अमर के विलायत जाने का खर्चा देने को राजी हो जाओ, फिर देखो कैसे खिलती उनकी बाछे। हाँ हाँ खिलेंगी, जरूर खिलेंगी। तुम्हारा जवाब नहीं है। तुम क्या कर रहे हो घर में? बच्चे हैं। ओहो क्या गुस्सा है। जानती हो अमर बाबूजी कहाँ गए हैं? नहीं, अमर के माँ बाप आए हैं ना उनसे मिलने के लिए। अच्छा वो लोग आए किस लिए हैं मालूम है? नहीं, शादी की बात तय करनी। अमर इंग्लैंड जाने वाले हैं ना, इसलिए जाने से पहले ही शादी हो जाएगी। बड़ी अच्छी बात है। शादी हो किससे रही है ये नहीं पूछा? मुझे मालूम है, तुमसे। क्यों? तुमसे नहीं। चिट्ठी पढ़ोगी? चिट्ठी अमर ने मुझे 6 पेज की चिट्ठी लिखी है, दिखाओ। नहीं। क्यों जलन होती है क्या? मुझे जाने दो, चाय ठंडी हो रही है। फिर होड़ करेगी मेरे साथ? ये लड्डू तू ले जा, सामान मुझे दे। कमला एक काम कर, ये रसोई में एक काम करो, कमरे में सुपारी और सरोता पड़ा है वो जरा चाची ना। चाची जी आ। हाँ शोभा, तू कहीं दिखाई नहीं दी तो मैंने सोचा अगर तुझसे मिलना हो तो मुझे ही तेरे पास आना पड़ेगा, क्योंकि तुझे तो अपने काम से फुर्सत मिलती है। चाचा जी भी आए हैं, वो अमर बारात के साथ आ रहे हैं। लेकिन शोभा आज खुशी के दिन में तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, चोटी तक नहीं की। कर लूंगी चाचा जी, जरा यहाँ संभाल लो। अरे ये सब काम होता रहेगा, चल तू मेरे साथ चल। जब से यहाँ आई हूँ तुझे घड़ी भर आराम करते हुए नहीं देखा, घर में और भी तो बहुत लोग हैं, फिर तू ही क्यों खड़ती रहती है? जरा अपना ख्याल भी तो रखना चाहिए, बड़ा अफसोस होता है तेरे लिए। चल अब अच्छे से साड़ी पहन ले। ये साड़ी भी तो अच्छी है चाची जी। ये साड़ी? नहीं नहीं ये नहीं चलेगी, और सब लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं और तू ये साड़ी पहनेगी। बता कहाँ है तेरी साड़ी? इसमें है। अरे तेरे पास यही 2 साड़ियां हैं? जी चाची जी। माया बहन, माया बहन, अरे यहाँ क्या कर रही हो? बाहर बारात आ गई है, चलकर अपनी बहू को उतारो। चलो आती हूँ हेमा बहन। ठीक है शोभा, यही साड़ी ठीक है, चल। अरे
भाई सुरेंद्र, मिठाई खाओ। बस यार बस, एक तो लो। अरे यार तुम डॉक्टर तो हो नहीं, मेरा पेट खराब हो गया फिर कौन जिम्मेदार है? तुम्हारा लड़का जो है। माया बहन ये देखो गहने बनवाए रूपा की शादी के लिए। अच्छा, रूपा की शादी? बड़े कहूँ रही है, आप लोग चाहे तो कल ही हो सकती है। हम लोग, बात यह है भाभी, हमारी ये इच्छा है कि आप लोग रूपा को अपनी बहू बनाए। लड़की हाँ। तो देखी है आपने, और रही दहेज की बात तो औरों से ज्यादा ही देंगे, कम नहीं। हाँ, विलायत में अमर के पढ़ाई का खर्च भी दूंगा। अरे यार, लड़के की तालीम का बोझ माँ बाप पे होता है। तो ससुर कुछ भी नहीं, मैंने सोचा है बम्बई में अमर के लिए बंगला भी बनाऊंगा। लेकिन ये सब क्यों? तो क्या तुम सब नगद चाहते हो? तो लेने देने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। अच्छा भैया, जो तुम चाहो हम करने के लिए तैयार है, लेकिन जिसका ब्याह होना है कम से कम उससे पूछ तो लेना चाहिए। अमर, अमर तो राजी है। अमर राजी है, लेकिन उसने तो हमसे कभी कुछ। लो तो क्या हमने यूं ही जिक्र छेड़ा है? अमर अक्सर यहाँ आता है, रूपा को लेके घूमने जाता है, सिनेमा जाता है, रूपा को पसंद करता है तभी ना। ठीक है, अगर अमर को पसंद है तो फिर हमें क्या इतराज हो सकता है। ठीक है, इस मामले में उसी की राय सबसे बड़ी है। करेक्ट, तो पंडित को बुलवा के मुहूर्त वगैरह निकलवा लेती है। लेकिन अमर तो परसों विलायत जा रहा है। तो क्या हुआ, दो चार रोज बाद चला जाएगा, बम्बई से रोज एक जहाज जाता है। हाँ, बम्बई में तो एक घंटे में शादी की तैयारी हो सकती है। अरे भाई, एक बार अमर से पूछ तो लें, फिर जैसे तुम चाहोगे वही हो जाएगा। ठीक तो कह रहे हैं। हाँ, पूछो, पूछो। बाबूजी, हरीश भैया के ससुर आए हैं। ससुर आए? हाँ। वो कैसे आए? चलो जरा देख ले। माँ बहन बात कर लेना। अच्छा, अमर को भी क्या सूझी? क्यों, और कोई लड़की ही नहीं मिली उसे पसंद करने को? भाई अपने अपने पसंद है, वैसे रूपा भी देखने में अच्छी है, कोई खास बुरी तो नहीं। लेकिन मुझे नहीं अच्छी लगती। अब ये दकेनों सी बात है। बिल्कुल नहीं, मैं तो कहती हूँ कि बजाय रूपा के अमर शोभा को पसंद कर लेता तो मैं अभी हाँ कर देती। वो भी ठीक है, जाओ उसी से तय कर लो। हो जाए तो बड़ा अच्छा है ना। पगली, कम से कम एक बार अपने लड़के से पूछ तो लो। अच्छा ठीक है ना, पूछ लेते। तुम्हारी भी शादी कर दे। ये क्या, विश्वंबर बाबू कहते कि विलायत जाने से पहले शादी हो जानी चाहिए। उनकी नेक राय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सच कहती हूँ अमर, अगर तुमने रूपा को पसंद कर रखा है तो। हाँ, ये लोग तो कहते हैं कि तुमने रूपा को पसंद कर रखा है। हंसता क्या है? अच्छा, अगर विलायत जाने से पहले शादी हो जाएगी तो जल्दी जल्दी वापस चला आएगा। और अगर शादी नहीं करके गया तो क्या पता, वहां जाकर किसी मेम साहब से शादी कर लेगा और माँ को भूल जाएगा। माँ, अगर ऐसा ही होना हुआ तो विश्वंबर बाबू की लड़की मुझे रोक लेगी क्या? फिर माँ के लिए नहीं बल्कि बीवी के लिए वापस आना इसमें तुम्हारा असम्मान होगा, इससे ना नहीं बेटर है। हाँ? हाँ? मजाक छोड़, अगर रूपा तुझे पसंद नहीं है तो मैं बताऊँ? अरे बेटा अमर, क्या बातें हो रही है मामे से? यही आपकी लड़की के लिए वकालत कर रही थी। इसमें वकालत करने की क्या जरूरत है भाभी, अब तो सिर्फ फैसला ही करना है। क्यों अमर, तो हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, अगर कहो तो आज ही डबल जश्न हो जाए। आज ही? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए। देखिए, मुझे जरा सोच लेने दीजिए। हाँ सोच लो, सोच लो। लेकिन बेटा जरा जल्दी। हाँ हाँ जल्दी बताऊंगा। शोभा सुना, मुझे कुछ करना है। मुझे फुर्सत नहीं। शोभा, अरे शोभा ब्याई साड़ी, जल्दी जा नीचे से पानी भर भिजवा, जल्दी जा। शोभा बहुत जरूरी बात है, तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। शोभा प्लीज। Thank you.
Thank you.
गिलास ही रह गया है। मुझे गिलास चाहिए था, अमर को रात को उठकर पानी पीने की आदत है, मगर गिलास तो एक भी धुला हुआ नहीं। अच्छा तो एक काम करना, तुम्हें उसके कमरे में एक गिलास पानी रख देना। जी जी। आपके लिए पानी, चाची जी ने कहा इसलिए मैं। माँ ने तुम्हें क्यों तकलीफ दी, खैर रख दो। शुक्रिया। मच्छरदानी खोल दूं? कोई जरूरत नहीं। अच्छा तो ले चलो। यही तो मुनासिब है, दिन के उजाले में और भीड़ भाड़ में जिस पर विश्वास नहीं किया जाता, इतनी रात को अकेले में वो तो और भी खतरनाक हो सकता है। सुनो, आज जो बात मैं तुम्हें बार बार कहना चाहता था और तुम सुनना नहीं चाहती थी, वो इस वक्त तुम्हें सुननी ही पड़ेगी। सुननी ही पड़ेगी? हाँ सुननी ही पड़ेगी। अमर, अमर, अरे तुम अभी तक जाग रहे हो, सोए नहीं? बस चाचा जी, अब सोने ही जा रहा था। बताओ बेटे, क्या फैसला किया तुमने? मैंने जल्दी जल्दी बताओ और हमारी चिंता दूर करो। बता दो मैं, तुम्हारा जो भी ख्याल हो। माँ, मैं इंग्लैंड से वापस आने से पहले शादी के बारे में सोच नहीं सकता। कोई बात नहीं बेटा, बस तुम एक बार हाँ कह दो, शादी आने के बाद हो जाएगी। हाँ, माफ कीजिएगा चाची जी, मैं ऐसा वादा नहीं कर सकता कि मैं रूपा से ही शादी करूंगा। खुश तो नहीं चाची जी? हम लोग जा रहे हैं, सोचा तुम तो बाहर आओगे ना, इसलिए मैं ही चली आई। आप लोग जा रहे हैं? हाँ, कल अमर जा रहा है, उसकी तैयारी भी तो करनी है। दो दिन में तुझसे इतना प्यार हो गया कि तुझे छोड़कर जाना अच्छा नहीं लगता, जी चाहता है तुझे भी साथ ले चलूं। खैर, फिर कभी बंबई आएंगे तो उससे मुलाकात होगी। ठीक है, अच्छा मैं चलती आज न सही, लेकिन मैं देख लूंगा तुम
कितनी बड़ी स्थिति हो। अमर की चिट्ठी तो आज भी नहीं आई। तुम खामखा परेशान हो रही हो। अमर जब से गया हमेशा बाकायदा खत लिखता रहा है। पिछले 5 महीनों में कोई एक हफ्ता ऐसा हुआ जिसने खत न लिखा हो? इसीलिए तो जी घबरा रहा है। अजी घबराने की क्या जरूरत है, उसने लिख तो दिया ना, उसके टेस्ट होने वाले हैं, इम्तिहान हो रहा होगा, खत नहीं लिख पाया। पर इम्तिहान में खत लिखना तो मना नहीं है। तुम क्या जानो, जिंदगी में कोई इम्तिहान दिया हो तब ना किसी बात की होश नहीं रहती। कुछ भी हो पर आज तुम उसे एक तार जरूर दे दो। अच्छा अच्छा जरूर दे दूंगा। लाओ मुझे कुछ नाश्ता वास्ता दो, हमेशा देर हो जाती है। गोपाल जल्दी से चाय ले आ। नहीं नहीं साहब। क्या बात है मालिक, किससे बातें कर रहे हो? कोई एक लड़की है साहब, आपसे मिलने के लिए खड़ी है। मरीज है कोई? क्या पता, पहले तो उसे कभी नहीं देखा। पहले नाश्ता तो कर लीजिए। अभी आता हूँ। उफो, ये मरीजों के पीछे तो खाना पीना भी मुश्किल हो गया है। कौन? ओ शोभा, तुम कैसे? बस आ गई। बाहर किस लिए खड़ी हो, अंदर आओ ना। आओ। आया? ये देख कौन आया। अरे शोभा तुम सुखी रहो। और कौन आया है तेरे साथ? और तो कोई नहीं आया चाची जी। लेकिन भुशंबर तो बड़ा पुराने ख्याल का आदमी है, उसने तुझे अकेला कैसे भेज दिया? मैं अकेले ही आई हूँ। बेटे तेरा चेहरा कुछ उतरा हुआ सा है, तबीयत तो ठीक है ना? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। दिखाई तो नहीं देता। तेरा सामान कहाँ है? सामान तो कुछ क्या हुआ, नहीं है तो ना सही। यहाँ किस चीज की कमी है? अच्छा किया तुम आ गई। कौन सी गाड़ी से आई थी? कल रात की गाड़ी से चली थी। उफो, वो तो सवेरे तड़के यहाँ पहुँचती है। तुम इतनी देर यहाँ बाहर खड़ी थी? छी 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 पगली। और तुम भी कितनी पगली हो, यहाँ खड़ी खड़ी बातें बना रही हो। इसको बिठाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ, रात भर सफर करके आई है। आओ बेटे बैठ जाओ, हम अभी नाश्ता करने ही वाले थे। लेकिन चाची जी मैं नहाए बगैर कुछ नहीं खाती। हाँ ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा है माया। अच्छा आओ मेरे साथ। ये बात क्या है, ये इस तरह यहाँ अकेले क्यों आ गई? ये तो मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन खैर परेशान होने की बात नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। ताज्जुब है, इसे एक लड़की के बिना तो विशंबर की गृहस्थी एक दिन नहीं चल सकती, फिर उन लोगों ने यहाँ इसे आने कैसे दिया? चलो अच्छा हुआ आ गई, लड़का विलायत बैठा है, लड़कियाँ ससुराल में है, हम अकेले थे, भगवान ने इसे हमारे पास भेज दिया। तुम कह रही थी लड़की तुझे पसंद है, हमसे इसकी शादी करना चाहती है, वो चलकर तेरे पास आ गई। सच अमर वापस अगर इसे पसंद कर ले तो हम अपनी बहू बनाकर इसे यहाँ रख ले। ठीक है रख लेना, मगर पहले तो इसका रहने का बंदोबस्त करो। अमर का कमरा खाली पड़ा है, वहीं ठहरा दो। ठीक है, खुला और हवादार भी है, वहाँ तो बेचारी बंद कोठरी में पड़ी रहती थी। जब ही रंग पीला पड़ा हुआ है। अरे मुझे तो आज बहुत देर हो गई, चलो बाकी बातें बाद में होंगी, मैं अब चलता हूँ। अभी हाँ आराम कर। अमर रहता था इस कमरे में और वो सामने वरंडा है ना, वहां बैठकर पढ़ा करता था। जब से वो गया है मैंने इस कमरे को ऐसे ही छोड़ रखा है, ये सब उसी का सामान है। अरे हाँ तुझे तो कपड़ों की जरूरत होगी, मैं अपने कपड़े भेज देती हूँ, मुझे तो अब वो सस्ते भी नहीं। तू आ गई है तू ही उन्हें पहनना। अच्छा ये बताओ जब से तू आई है शॉल क्यों लपेट रखी? निकाल दे ना। ये क्या शोभा, ये तो बेत के निशान है। बता किसने मारा है तुझे, किसने मारा है तुझे? कुछ नहीं हुआ चाची, मुझे कुछ नहीं हुआ, किसी ने नहीं मारा, किसी ने नहीं। मुझसे कुछ मत छुपा बेटी, बता किसने मारा, किसने मारा तुझे? नहीं
करो नहीं। शोभा कैसी है? ठीक है। कहाँ है? अमर के कमरे में। सुनिए, लगता है शोभा उनके जुल्मों से तंग होकर यहाँ भाग आई है। क्यों, कुछ बताया उसने? उसने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके पूरे बदन पर मार के निशान है। मार? हाँ। किसने मारा? पता नहीं, जब मैंने उसे पूछा तो बेचारी फूट फूट कर रोने लगी। ऐसी बेरहमी से मारा है। तुम्हारा दोस्त विशंबर आदमी है या हैवान? सीमेंट और लोहे लकड़ी का कारोबार करते करते शायद खुद भी पत्थर हो गया है। अच्छा, शोभा बेटी, यहाँ पे इससे से उदास और गुपचुप बैठने से काम नहीं चलेगा। हंसो, खेलो, घूमो, फिरो, यही तो उम्र है तुम्हारी। यहाँ पर तुम्हारे ऊपर किसी किस्म की बंदिश नहीं है, और हमने फैसला कर लिया है तुम्हें वापस हम उसके थाने में नहीं भेजेंगे। बहुत अफसोस होता है तुम्हारे बारे में सुनकर। अब तो विशंबर खुद भी चल कर आए तो मैं तुम्हें नहीं भेजूंगा। यहाँ पर रहो, पढ़ो, लिखो। कहाँ तक पढ़ी बेटी? प्राइवेट इंटर देने की तैयारी कर रही थी। गुड, तो इस साल इंटर दे ही डालो। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे ट्यूटर का प्रबंध कर दूंगा। मेरे ख्याल में लड़कियों को खूब पढ़ना लिखना चाहिए ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, किसी के मोहताज न रहें। पढ़ोगी ना बच्ची? जैसी आपकी मर्जी। नहीं नहीं, मेरी मर्जी नहीं, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता। जोर जबरदस्ती तो तुम विशंबर के हाथ से काफी बर्दाश्त कर चुकी हो। मैंने सुना उसने तुम्हें मारा। वैसे नीचे उसने एक लड़की के ऊपर हाथ उठाया, मेरे सामने आया तो मैं उसकी खाल खींच लूं। लेकिन बात क्या हुई थी, क्यों मारा उसने, मुझे बताने में क्या हर्ज है बेबी? मैं तुम्हारे पिता समान हूं। जानती हो, तुम्हारे पिताजी और मैं गांव में एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। क्या आदमी थे, तुम मुझे उन्हीं के बराबर समझो। बताओ बेटी, क्या बात हुई थी? मैं चाची जी को सब बताऊंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, इन्हें बता देना। देखो, अब तुम हमारे घर हो, तुम्हें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने कितना बेवकूफ बातों बातों में लड़की को रुला दिया। मारो, अरे और मारो, मारो, मार मार के खाल निकाल दो इसकी। बदचलन, बदमाश, कुल अच्छी नहीं कहेगी। मारो इसे, घर से बाहर निकालो। गोपाल जी, बाबूजी। बीवी जी कहाँ है? माँ जी तो ऊपर कमरे में बैठी है। कमरे में बैठी है? सो जी, क्यों, तबीयत तो ठीक है ना? क्या बात है माया, ऐसी गुमसुम क्यों बैठी हो? क्या बात है? विशंबर बाबू को हम बेकार दोष दे रहे थे। ऐसी हालत में भला वो लोग कर ही क्या सकते थे? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैं शोभा की बात कर रही हूँ। हाँ, क्या हुआ? जो हुआ है कहने लायक नहीं।
कुछ बताया उसने तुमको? उन लोगों ने उसे मजबूर होकर घर से निकाला है। क्यों, ऐसा क्या अपराध किया उसने? ऐसे अपराध के लिए वो लोग तो क्या, दुनिया में कोई भी माफ नहीं कर सकता। पहेलियां ना बुझो, साफ साफ कहो। शोभा गर्भवती है। आदमी कौन? कहती उसे नहीं मालूम। ये कैसे हो सकता है, तूने पूछा उसे? मैंने उसे कितनी बार पूछा मगर वो नहीं बताती। अजीब बात है, कब की बात है ये? हरीश की शादी के समय। उस शादी में तो हम भी शामिल हुए थे ना? हाँ, कितने ही मेहमान आए हुए थे। कहती उस रात बहुत थकी हुई थी, सर भी दर्द हो रहा था, घर में किसी ने नींद की गोली दे दी और खाकर सो गई। फिर? उनका भंडार घर जहाँ वो सोई थी बिल्कुल पीछे की तरफ था, भूल से उसका दरवाजा खुला रह गया। रात के आखिरी पहर अचानक जब उसकी नींद खुली तो कोई अंधेरे में उसे पहचान नहीं सकी और वो भाग गया। कौन? फिर तुमने उसे क्या कहा? मैं क्या कहती, लेकिन आपको इस बात का विश्वास होता है? विश्वास करने या न करने की बात नहीं है माया, बात तो यह है कि वो कितना बड़ा आसरा समझकर हमारे पास आई है। विश्वंबर के अलावा उसके और भी तो रिश्तेदार थे, उनके पास नहीं गई, हमारे पास आई है, अपना ही समझकर आई है ना? लेकिन मैं इतना बड़ा भार नहीं उठा सकती। क्यों नहीं उठा सकती? तुम तो उसको बहुत प्यार करती थी। तो क्या हुआ? देखो माया, अगर कमजोरी में आकर वो एक बार गलती कर बैठी है तो क्या उसे हमेशा के लिए गलत रास्ते पर डाल देना चाहिए? क्या उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य नहीं है? सोचो तो सही, अगर वो तुम्हारी अपनी बेटी होती तब तुम क्या करते? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक है तो कह रहा हूं, क्या वो हमारी बेटी के समान नहीं है? मगर लोग पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी, आप ही बताइए। मैं बताता हूं, तुम लोगों की बात हरगिज ना सुनो, उसे प्यार से अपने पास रखो, उसके दिल से शर्म का एहसास मिटा दो, उसे फिर से नए सिरे से जीने दो। अमर, कमरे में अंधेरा क्यों कर रखा है, बत्ती क्यों नहीं जगाई? बेटे, शर्म तुम्हें नहीं, शर्म हमें आनी चाहिए जिनके समाज में अभी तक ऐसे जानवर मौजूद हैं। अगर मुझे पता चल जाता वो कौन है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेरा अपना लड़का क्यों ना हो, मैं उसकी जान ले लेता। तो चिंता ना कर बेटी, तुझे यहां किसी बात का डर नहीं है। ले दूध पी ले। चाची जी, ये दूध तो मुझसे नहीं पिया जाएगा। लेकिन तुझे पीना पड़ेगा, इन दिनों में अगर खाओगी पियोगी नहीं तो कैसे काम चलेगा? पर कितना खाऊंगी पियूंगी? जितना मैं कहूँ, तेरे पीछे मुझे उनसे डांट नहीं खानी। चलो पी लो। चाची जी बाद में पियूंगी। नहीं नहीं, मेरे सामने चलो। माँ जी, क्या बात है? बड़ी दीदी आई है। कौन, मंजू जी? अरे इस तरह बिना खबर दिए चली आई। अच्छा तुम दूध पी लो, मैं अभी आती हूँ। मंजू, माँ तू आ गई। आखिर तेरे सास ने तुझे आने दिया, दिलीप नहीं आया? अचानक उनका टूर का प्रोग्राम बन गया, वो चले गए कल। मैंने सोचा मैं भी तुम लोगों के पास रह जाऊँ। चलो अच्छा किया, वहाँ सब लोग अच्छे तो है ना? अरे राजू, क्यों भी आ गए हो? ये तेरी माँ बड़ी खराब है,
तुझे जल्दी जल्दी हम लोगों के पास नहीं लाते हाँ? चलो अंदर चलो। अरे ये दूध कहाँ ले जा रहा? जी वो दीदी कहती है दूध दोपहर में पीऊंगी। दोपहर में? दीदी अंजू आई है माँ? नहीं तुम्हारी एक और बहन आई है शोभा। शोभा वो जो बिशंबर बाबू के घर में रहती थी जिसके लिए तुमने कहा था भैया से शादी करना चाहती हो? हाँ वही। अच्छा वो क्या यहीं है? कहाँ है? अमर के कमरे में। भैया के कमरे में? शोभा शोभा ये है मेरी मंजू। अच्छा यही शोभा है? नमस्ते। नमस्ते। माँ जरा सुनो। क्या बात है? ये सब क्या है? क्या मैं इस लड़की की बाबत पूछ रही हूँ। ये बच्चे का पालना टोपे मोजे ये तो तुम समझ सकती हो। क्या समझ सकती हूँ? यही के पति कहाँ है इसका? शादी हुई? नहीं। तो फिर ऐसी लड़की को घर में रख लेने का मतलब? मतलब यह है कि लड़की लाचार और बेसहारा है। अच्छा तो इसलिए सहारा ढूंढने निकली थी? जी मंजू। ठीक आएगी। मुझे तो ये सब मालूम होता तो मैं इस घर में हरगिज़ नहीं आती। तू तो बेकार बिगड़ रही है। अगर पूरी बात सुनेगी तो तुझे खुद मालूम पड़ जाएगा कि लड़की कितनी बेकसूर है। ऐसी लड़कियां तो अपने आप को बेकसूर कहती हैं। लेकिन तुम ये क्यों भूलती हो? ऐसी बातें एक तरफा कभी नहीं हुआ करती। एक कुमारी लड़की इस हालत में घर में भला लोग क्या कहेंगे? मेरे ससुराल वालों ने सुन लिया तो वो लोग मुझे क्या कहेंगे? वो लोग तो मुझे कभी नहीं आने देंगे। क्या तुम ये चाहती हो कि मैं यहाँ कभी नहीं आऊँ? नहीं नहीं मंजू मैं ये क्यों चाहूंगी। तो भी निकाल बाहर करो इस मुसीबत को। ऐसे पाप कोई घर में पालता है? ये शरीफों का घर है ना? हाँ ये शरीफों का घर है और शरीफ घर की लड़कियों को बचाने की जिम्मेदारी शरीफ घरों पर ही आती है। क्यों? उनके लिए तो बाजार के दरवाजे खुले। मंजू ऐसी बातें तेरे बाबूजी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? आने दो बाबूजी को मैं उनसे भी कह दूंगी। अच्छा अच्छा कह देना। तो ये समझते हैं कि इस घर में उनकी मर्जी के बगैर? नमस्ते जीतरो मंजू का भाई। अभी आई आपने उसको गोद में लिया कपड़े खराब कर देगा। क्या हुआ करने दे रोज रोज थोड़े आता मेरे कपड़े खराब करने। माया शोभा को दवाई दे दी थी ना? हाँ। भाई बहुत सावधान रहना अब थोड़ी दिन रह गए। जाऊं? ठहर मंजू अभी बाहर से आए हैं खाना बाना खा लेने दे फिर तुझे जो कुछ भी कहना है कह देना। तुम समझती नहीं माँ कितनी सीरियस बात है। मैं अभी जाकर कहती हूँ। मंजू मच्छी पानी। हाँ मंजू मुझे आपसे एक बात कहना। कहो। ये लड़की कैसे घर में रखी है? क्या शोभा की बात कर रही है? जी तू अभी मिली नहीं उससे देखना कितनी अच्छी लड़की है। होगी मुझे ऐसी लड़कियों से नहीं मिलना पसंद है। ना जाने आपने क्या सोच समझ के ऐसी लड़की को जगह दी है घर में। मेरा कहा मानिए तो उसे निकाल बाहर करिए। तो अगर यही कहने आई है तो रहने दे। ओ, तो उस रस्ते की लड़की की इतनी परवाह? मंजू तू बहुत बोलने लगी। सच बोलना मुझे आप ही ने सिखाया है। जो बात मुझे अच्छी नहीं लगती मैं जरूर कहूंगी। ऐसी लड़कियों को घर में रख लेना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इस घर पे सिर्फ तेरा ही हक नहीं जैसे यहाँ अंजू है तू है वैसे ही शोभा भी है मेरे लिए तीनों बराबर। मेरा अंजू का नाम उस बच्चे लड़की के साथ मत जोड़िए। बड़ा अफसोस हुआ मुझे तुम्हारे मुंह से ऐसी बात। लेकिन एक बात कह दूं जहां मेरे असूलों का सवाल है वहां मैं किसी की बात सुनना नहीं चाहता। और मेरे ख्याल में तुम ये अच्छी तरह समझती हो। साफ साफ क्यों नहीं कह देते इस घर से चली जाओ तुम? कैसी बातें करती हो मंजू ये तुम्हारा अपना घर है लेकिन इस घर ने जिसे अपनाया है उसे अपना समझना तुम्हारा भी फर्ज है। जरा ठंडे दिल से सोचो। मैं सोच समझ के कह रही हूँ आप लोग चाहे जो कुछ कहिए इस घर में जब तक वो लड़की रहेगी मैं हर किसी रहूंगी। अच्छा तुम्हारी बात। ठीक है मैं अभी चली जाऊंगी। देखा ना माँ बाबू जी मुझे जाने के लिए कह रहे हैं अब मैं तुम्हारे घर में कभी नहीं आऊंगी। रहो अपनी लाडली को लेकर। सुना मंजू लगता है मंजू सचमुच चली जाएगी। जा जाती है लेकिन अपनी लड़की को इस तरह से जाने दोगे? तो फिर मैं क्या करूँ उसकी जिद पर बेचारी शोभा को घर से निकाल दूँ? तुम्हें बताओ जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा। गोपाल सामान लाओ मेरा मुझे अब इस घर में नहीं रहना है। आया बच्चे को लेकर गाड़ी में बैठू अब मैं यहाँ एक मिनट नहीं ठहर सकती। आप मेरी वजह से घर छोड़ के चली जाएंगी दीदी? दीदी कहेगा मत बुलाओ मुझे। आप मत चलिए तुम्हारे कहने से मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। मैं कौन होती हूँ इस घर की मैं ही चली जाती हूँ। आप मत चाहिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ
आपके पांव पड़ते हो। मत छुओ मुझे। चुप रहो। दीदी गाड़ी जल्दी चलाओ। दीदी 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 मत जाओ दीदी, मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मत जाओ दीदी, मत जाओ दीदी, मैं चली जाती हूँ, तुम रह जाओ, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर है दीदी, ये तुम्हारा घर है, मत जाओ, मत जाओ दीदी, मत जाओ दीदी, दीदी दीदी माँ जी, बाबू जी, बाबू जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, शोभा दीदी बाहर गिर पड़ी है, बेहोश हो गई। शोभा दीदी बाहर गिर पड़ी जी। आया लेकिन उसको बाहर जाने को किसने कहा था जी? जाओ जल्दी से साफ पूरा, जल्दी जाओ। बहुत अच्छा जी। शोभा क्या हुआ? शोभा चाची जी, चाची जी, क्या क्या होगा शोभा? क्या हुआ, क्या हुआ चाची जी? चाची जी माया लिवर पेन स्टार्ट हो गए। चाची जी, चाची जी। गोपाल ड्राइवर को बुलाओ जल्दी, अस्पताल जाना पड़ेगा जल्दी। चाची जी हौसला करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं जी कर भी क्या करूंगी, मेरे कारण आपके घर में अशांति है। नहीं नहीं बेटे, ऐसी अशुभ बातें मुझसे नहीं निकालते। अगर मैं चाहती कि मैं इतनी अभागन हूँ, मैं नहीं हूँ। शोभा तू मुझे चाचा जी कहती हो ना, मुझे बड़ा मानती हो, तो फिर मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करती? सब ठीक हो जाएगा, मेरे घर में कोई अशांति नहीं होगी, कोई अशांति नहीं होगी। शाबाश 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 करो डॉक्टर। शोभा का है? शोभा, शोभा नहीं आई, कहाँ गई वो, बोलते क्यों नहीं? इसकी परवरिश की जिम्मेदारी हम पर छोड़कर वो चली गई। दुलारे भाई जगत को पकड़ लिया है उन्होंने। जगत को? लेकिन क्या किया उसने? कुछ तो किया होगा, मैंने पूरा किस्सा नहीं सुना। चलो दरोगा जी से सुन ले। मेरे तो हाथ पांव कांप रहे हैं। चलो दीदी बचा मुझे। शट अप। किस्सा क्या है इंस्पेक्टर साहब? राम गोपाल नाम के एक साहब है, मैं उन्हें जानता हूँ। ये उनकी लड़की से मोहब्बत का नाटक करते रहे, उसे बर्बाद किया, फिर उसे ब्लैकमेल करने लगे। डिस्ग्रेसफुल। पहले तो वो लड़की इन्हें रुपए पैसे गहने वगैरह देती रही, फिर उसे बर्दाश्त न हुआ, उसने अपने माँ बाप से कहकर हमारे यहाँ शिकायत की। आज ये साहब बाजार में कुछ गहने बेच रहे थे, वहां इन्हें गिरफ्तार किया है। अभी तक कुछ गहने बरामद नहीं हुए, हम इनके कमरे की तलाशी लेना चाहते हैं, प्लीज हेल्प मी। आइए। थैंक यू। दीदी बचा मुझे, मुझे बचा दो। तुझे बचाऊं? नास पीटे, इतने प्यार से अपने घर में रखा, आज हम लोग का मुंह काला कर दिया, अब जैसा किया है वैसा भाग। ये देखिए मिल गए। कितनी शर्म की बात है, मैं पहले ही कहता था उसकी आदतें ठीक नहीं। तो मुझे क्या मालूम? ये सब चिट्ठियां हैं शोभा देवी के नाम, और लिखने वाला अमर कुमार फ्रॉम लंदन। शोभा को अमर ने चिट्ठियां लिखी? ये शोभा देवी कौन है? अरे एक शोभा थी हमारे यहाँ काम करती थी, अभी वो चली गई। खैर ये सब मैं लिए जा रहा हूँ, आइए चलिए।
चिट्ठी भी नहीं लिखी तुम लोगों ने। माँ तुम कैसी हो? ठीक, चलो अंदर चले। वो तुम्हारे पतिदेव कहाँ हैं? पीछे की गाड़ी आ रही है। पीछे छोड़ रही उनको। चलो लो ये लोग आ गए। अंजू तुम तो बड़ी दुबली हो गई है। कहो माँ मैं तो मोटी और खिलाड़ी हूँ। मैं आज 3 साल बाद आया। मैं 2 साल पहले एक चक्कर लगा गया। अरे भाई तुम लोग हर हफ्ते आया करो, ये तो तुम्हारा अपना घर है, हम तो तुम्हारे इंतजार में रहते हैं। बाबूजी मेरा वो लगाया हुआ जुई का पता भी है ना? क्यों नहीं, उसको मैं हर रोज अपने हाथ से सींचता हूँ, बाकी पौधे देखते रह जाते हैं।
बच्चा कितना खूबसूरत है। बहुत अच्छा है। दीदी हमें दोनों। चल हटना। माँ ये किसका बच्चा है? अपना ही समझो। अपना? ये शोभा का बच्चा है क्या? हाँ। आया लो इसे ले जाओ। तुम यहाँ कब तक खड़े होगा? आओ मैं सर। अब तुम लोग आ रहे हो ना, कुछ रोज हमें भी अच्छा खाना मिलेगा। तो ये तो रोज हमारे सामने उबले हुए दाल चावल रख दिया करती। मैं रख दिया करती थी या आप अपने डॉक्टरी परहेज के मारे कुछ खाना नहीं चाहते? अरे आगे बाबू ले ले, आजा बेटा आजा। तुम भी खाओ। जिस हाथ से उसको खिला रही हूँ मेरे बच्चे को। क्यों क्या हुआ? कुछ हुई नहीं। एक ऐसा बच्चा ना जिसके बाप का पता ना खानदान का, मेरा बेटा इस बच्चे के साथ जूठन खाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये तुमने क्या किया? देखा वो बिना खाना खाए उठ गए। उन्हें बुरा लगा होगा। किसी की खुशी के लिए मैं वो नहीं कर सकती जो मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे जिस चीज से नफरत है हमेशा नफरत रहेगी। पिछली बार आके देखा तुम लोगों ने शोभा को सर पर बिठा रखा था और अब उसके पाप की निशानी को। मंजू तुम चुप रहो। जी इस घर में जो कुछ हो रहा है कोई शरीफ आदमी गवारा नहीं कर सकता। ये बात तो सही है। मेरे कुछ समझ में नहीं आता आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? करना तो ये चाहिए कि इस बच्चे को कहीं दे देना चाहिए। और अगर ऐसा ना करे तो? तुम्हारी मर्जी। लेकिन फिर एक बात है, हम लोग यानी कि तुम्हारे बच्चे इस घर में कभी नहीं आएंगे। और सिर्फ यही नहीं, हम तीनों बहन भाई मिलकर इस बात का विरोध करेंगे। करो जी भर के विरोध करो, लेकिन एक बात सुन लो, हम इस बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारी माँ छोड़ भी दे फिर भी मैं इस बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। तुम तीनों तो क्या सारी दुनिया भी आ जाए फिर भी मेरा इरादा नहीं बदल सकता। और मैं भी कसम खा के कहती हूँ अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। तो अब अगर आऊं तो मैं अपने बच्चे का मरा हूं देखो। अब क्या होगा? क्या होगा मैं कह चुका हूँ। तुम बेशक कह दो उनसे चले जाए यहाँ से। चले जाए? पराए बच्चे के लिए तुम अपने बच्चों को घर से निकाल देना चाहते हो? तुम्हारे बच्चे तो खुद ही यहाँ से जाना चाहते हैं। लेकिन वो क्यों जाना चाहते हैं? इसकी वजह क्या है? और ऐसी हालत किसने? अच्छी बात है मैंने पैदा की। मैं मानता हूँ मैं उन्हें त्याग रहा हूँ उनकी बदतमीजी के लिए उनके गंदे विचारों के लिए। वो जो कुछ कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। कल को अगर अमर आकर विरोध करे तो क्या होगा? मैं उसकी भी नहीं सुनूंगा। अगर वो अलग हो जाए? हो जाए हो जाए। तुम माफ होकर ऐसी बातें कर रहे हो? हाँ हाँ। माँ जी बाबू जी वो सब लोग जा रहे हैं। अच्छी बात है तुम जाओ। वो लोग जा रहे हैं सुन लिया है। अगर इस तरह सब चले जाएंगे तो फिर क्या रहेगा? इंसाफ। इंसाफ? अपनी संतान को त्याग कर पराया पाप पालना कहाँ का? माया चुप रहो। कैसे चुप रहो? घर में पाप पालने का नतीजा तो सामने दिख रहा है। ये सब देख कर अभी खामोश नहीं रहूंगी। तुम क्या चाहती हो? बोलो बोलो तुम क्या चाहती हो? तुम क्या चाहती हो? लेकिन हम राजा को किसी अनाथ आश्रम में भेज दे। हम इन्हें ज्यादा रुपये दे देंगे ताकि अच्छी तरह से उसकी देखभाल कर सके। इसमें क्या खर्च है? ठीक है ऐसे ही होगा। अंजू तुम लोग न जाओ, मैं कल तक तुम्हारी शिकायत दूर कर दूंगा। वादा करता हूं। रो क्यों रही हो? सुनो हम लोग कहीं राजा को लेकर क्यों नहीं चले जाए? कहाँ? यही कहीं तीर्थ यात्रा करने या घूमने। कब तक के लिए जाओगे? सो जाओ। आप भी सो जाइए ना। हाँ मैं भी सो जाऊंगा थोड़ी देर बाद। सो जाओ।
जी नहीं तो मैं तो अभी आया हूँ। और आया 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 बाहर बैठी। आया राजा कहाँ है? राजा को साहब बाहर ले गए। साहब बाहर ले गए? कहाँ ले गए? पता नहीं, बहुत सुबह ले गए। बाबूजी आ गए। सुनिए, कहाँ गए था? राजा को कहाँ छोड़ा है बताइए ना, कहाँ छोड़ा है? बोलते क्यों नहीं? मैं अभी आती हूँ। आप इस तरह से चुप क्यों हो गए? बताइए ना राजा को कहाँ छोड़ा है, बताइए ना। जहाँ उसकी जगह है। उसकी जगह तो मेरी गोद में, मेरी गोद के सिवा कहीं नहीं रह सकता। तुम्हारी गोद के हकदार दूसरे भी तो हैं। आपका दिल इतना कठोर क्यों हो गया? जाओ ना जल्दी से राजा को वापस ले आओ, ले आओ ना। अब वो यहाँ नहीं आएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। क्यों दीदी, क्या मामला? बला टल गई। ओह थैंक गॉड। दीदी दीदी ये तार आया, टेलीग्राम देखें, शायद बढ़िया का होगा। इसे टैक्सी में रख दो। लिंकिंग रोड खार, चलो। नमस्ते जैसी। अमर कब आए? हाँ जी, आप लोग अच्छे हैं ना? हाँ यहाँ सब अच्छे। आप भी खूब हैं चाची जी, मैंने आपको खत लिखे थे। मिले? और आपने कोई जवाब ही नहीं दिया। जवाब देने को रही क्या गया था? शोभा का है। देखो उस कलंकनी का नाम इस घर में मत लो जी। वो बहुत बचलन लड़की थी ना, जाने किसके साथ भाग गई। कौन? शोभा? हाँ हाँ वही चुड़ैल। शोभा आओ बैठो। जी जी नहीं, मुझे ट्रेन पकड़नी है। नमस्ते। मंजू बहुत दिनों के बाद। बाबू जी। हेलो अमर माय बॉय, हाउ इज द जर्नी? फाइन गुड। माँ अमर तू आ गया, तू आ गया बेटा, कितने दिनों के बाद तुझे देखा। क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, वापस आ गया। अब रोना याद आया तुझे? अगली चलो अंदर चलो। ओह वहां दो साल कैसे काटे वो मैं ही जानता हूं। आज घर आ गया हूं जैसे जान में जान आई। आज तो मैं आराम से सोऊंगा। अरे ये सब क्या, तुम लोगों ने अपने कपड़े मेरी अलमारी में रखे हैं? हमारे कपड़े? और नहीं तो क्या, ये फटा ब्लाउज, ये साड़ियां, चलो ले जाओ। ऐसी साड़ी तो मैं कभी पहनती भी नहीं। मैं समझ गई ये उसी के कपड़े हैं। किसके? थी एक बच्चलन लड़की। बच्चलन लड़की कौन? तुमने तो उसे देखा है भैया। देखा है? हाँ वो दिसंबर काका के घर में लड़की थी ना, शोभा। शोभा वो यहाँ थी? हाँ न जाने कहाँ से बच्चे की माँ बनने वाली थी, वो थोड़े दिन यहाँ भी आके रही थी। वो यहाँ क्यों आई थी ये सब मैं नहीं जानती, तुम माँ बाबूजी से जाके पूछो। ऐसी लड़कियों को कोई कैसे रख लेता है ये सब मैं नहीं समझ सकती। माँ किस सोच में पड़ गई तुम? कुछ नहीं, आ बैठ। ये खिलौने किसके? मंजू के बच्चे के है क्या? नहीं वो शोभा थी ना, उसके बच्चे के लिए हम लोग लाए थे। शोभा के बच्चे के लिए? हाँ। तुमने उस घर में रखा था? क्यों? सुना उसका चाल चलन कुछ? ओ तो शायद ये बात अपनी बहनों से सुनकर आया है, लेकिन उसका कोई कुछ नहीं था। मैं जानती हूँ
शोभा जैसी नेक लड़कियां इस दुनिया में बहुत कम मिलती हैं। फिर वो बच्चा? बच्चा अमर, शादी की भीड़ भाड़ में हर तरह के लोग होते हैं। हरीश की शादी में वो अकेले ही काम करने वाली थी। आधी रात गए तक तो मैंने उसे खुद काम करते हुए देखा था। थकान से चूर होकर बेचारी सोई पड़ी थी, पहचान भी नहीं पाई कि किस नीच ने अपना मुकाला किया। उनके यहाँ तो वो एक नौकरानी से भी गई गुजरी थी, इसलिए जरा सी भूल पर उसे इतनी बड़ी सजा मिली। उस बेचारी पर उन लोगों ने क्या क्या जुल्म नहीं किए, उसे मारा पीटा, यहाँ तक के घर से निकाल दिया। तब वो हमारे पास आई। जब मैंने उसे पूछा कि तुम्हें हमारी ही याद आई, तो कहने लगी आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। अब कहाँ है? जिस संतान की ममता ने पहले उसे जान न गंवाने दी, आखिर वो उसी को छोड़कर चली गई। और वो बच्चा? अब तक यही था, लेकिन तेरे बहन और बहनों ने आकर कहा जिस घर में ऐसी पाप की औलाद हो वहां हम नहीं रह सकते, इसलिए तेरे बाबूजी प्रजा ने उसे ले जाकर कहा छोड़ा है। मैं उन्हें कितना पूछती हूँ, रोती हूँ, सर पटकती हूँ, फिर भी वो नहीं बताते कि उसे कहाँ छोड़ा है। आपके लिए पानी, चाची जी ने कहा इसलिए मैं। माँ ने तुम्हें क्यों तकलीफ दी? खैर रख दो। शुक्रिया। मच्छरदानी खोल दूं? कोई जरूरत नहीं। अच्छा तो मैं चल। यही तो मुनासिब है, दिन के उजाले में और भीड़ भाड़ में जिस पर विश्वास नहीं होता, इतनी रात को अकेले में वो तो और भी खतरनाक हो सकता है। सुनो, आज जो बात मैं तुम्हें बार बार कहना चाहता था और तुम सुनना नहीं चाहती थी, वो इस वक्त तुम्हें सुननी ही पड़ेगी। सुननी ही पड़ेगी? हाँ सुननी ही पड़ेगी। दिन के उजाले में और भीड़ भाड़ में जिस पर विश्वास नहीं होता, इतनी रात को अकेले में वो तो और भी खतरनाक हो सकता है। सुनो, आज जो बात मैं तुम्हें बार बार कहना चाहता था और तुम सुनना नहीं चाहती थी, वो इस वक्त तुम्हें सुननी ही पड़ेगी। सुननी ही पड़ेगी? हाँ सुननी ही पड़ेगी। कौन? आप? उस वक्त मेरी बात अधूरी रह गई थी। जो कुछ कहना कल कह लीजिएगा, इतनी रात गए। फिर मौका नहीं मिलेगा, कल सवेरे मैं यहाँ से चला जाऊंगा, बहुत दिनों के बाद मुलाकात होगी। लेकिन लेकिन इस वक्त अगर कोई कोई नहीं देखेगा शोभा, सब सो रहे हैं, जाग रहे हैं तो सिर्फ मैं और तुम। फिर शोभा, आज मैंने उन लोगों से कह दिया कि मैं रूपा से शादी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें चाहता हूं, और शादी उसी से की जाती है जिसे दिल चाहता है। पहली मुलाकात में तुम्हारी आंखों में जो झलक देखी थी, उसी को दोबारा देख पाने की चाहत मुझे बार बार यहां खींच लाई है। पर न जाने क्यों तुमने मुझे गलत समझा, जो मैं कहना चाहता था तुमने मुझे कहने नहीं दिया। शोभा,
तुम्हारी आंखों में आंसू। आज तो बोलो शोभा, क्या तुम भी मुझे नहीं चाहते? बोलो शोभा बोलो। हर बात शब्द में ही कही जाती है क्या? शोभा, 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 शोभा। रो मत शोभा, मुझे माफ करो। अफसोस, आज मैंने वही साबित कर दिया जैसा तुमने मुझे समझा था। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। ऐसा ना कहो अमर, मैं तो तुम्हारी ही हूं। शोभा, वापस आते मैं तुम यहां से ले जाऊंगा। सुबह हो गई, अब हाँ मैं चलता हूँ। शोभा, मैं तुम्हें खत लिखूंगा, जवाब देना जरूर। क्यों शोभा क्यों, ये सब तुमने माँ और बाबूजी को बता क्यों नहीं दिया? किस लिए, किस लिए सारे दुख ये अपमान ये बदनामी चुपचाप बर्दाश्त करती रही? मुझे बचाने के लिए शोभा, माँ वो क्या बात है बाबूजी? एक बात बताइए, शोभा का बच्चा कहाँ है? शोभा का बच्चा? हाँ बाबूजी। क्यों बताइए ना बाबूजी, आपने उसे कहाँ रखा है? लेकिन तुझे उसकी क्या पड़ी है? किसके पास है वो? मगर तू उस बच्चे के लिए क्यों इतना परेशान हो रहा है? वो बच्चा? हाँ बोल क्या बात है। शोभा का बच्चा मेरा बच्चा है बाबूजी। मेरा? तो तेरी खातिर वो तमाम जुल्म और अपमान बर्दाश्त करती है, लाख पूछने पर भी कभी उसने तेरा नाम नहीं लिया। ऐसी मासूम लाचार और गरीब बच्ची की तूने जिंदगी बर्बाद की शैतान। क्या पागल हो गए? मैं तेरी जान भी ले लूं तब भी मेरी गर्दन शर्म से झुकी रहेगी। छी छी लानत है, मेरी संतान होकर तूने ऐसी जलील हरकत की, मुझे फख्र था, नाज था अपने बेटे पर। सब मट्टी में मिल गया, सब मट्टी में मिल गया। बाबूजी एक गलती मुझसे जरूर हुई है, लेकिन लंदन पहुंचकर मैंने बिशम और चाचा जी को सब कुछ लिखा था। मैंने लिखा था कि मैं और शोभा शादी करना चाहते हैं। मैंने शोभा को भी चिट्ठियां लिखी थी, मुझे किसी का जवाब नहीं मिला। वो आपके पास आई मगर शायद इस डर से कि आप लोगों को दुख पहुंचेगा, या शायद इस ख्याल से कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे, वो खामोश रही। अगर मैं जानता कि इस परिणाम की कल्पना भी मैंने नहीं की थी, इतना बदनसीब हूं मैं, पाने से पहले मैंने सब कुछ खो दिया। बाबूजी आप मुझे जो चाहे सदा दीजिए, लेकिन मुझे इतना बता दीजिए वो बच्चा कहाँ है, बताइए ना बाबूजी। सुना आपने, अब तो बताइए कहाँ है मेरा राजा, कहाँ है? बाबूजी बताइए ना। बोलिए ना बाबूजी।
अस्पताल के कंपाउंडर मोहनलाल बाबू के पास जाओ, वो बता देगा। मैं अमर हूं, दरवाजा खोलिए। नमस्ते अमर, इतनी तारीफ तुम? शोभा के बच्चे के लिए आया। वो बच्चा यहाँ है, किसने बताया तुम्हें? बाबूजी, उन्होंने मुझे यह भेजा। ओ अच्छा, हाँ हाँ। ये बच्चा है शोभा, ये बिल्कुल शोभा का जैसा चेहरा है। हाँ बेटा मेरे पास आ, नहीं आएगा तू तो मुझसे मत रूठ बेटा। जो मुझसे रूठ कर चला गया अब मैं उससे तो माफी नहीं मांग सकता, लेकिन मैं तुझे सीने से लगा कर रखूंगा, मैं तुझे इतना प्यार दूंगा, इतना प्यार दूंगा। मत रो बेटा मत रो। चाचा जी मैं इसे लिए जा रहा हूँ। शोभा, शोभा जिंदा है? हाँ, बच्चा होने के बाद से शोभा यहीं पर है। डॉक्टर साहब ने किसी को बोलने के लिए मना किया था, बोले इसी में भलाई है। शोभा, शोभा मैं बड़ा अपराधी हूं तुम्हारा, तुमसे माफी भी मांगू तो किस तरह? मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मिली तुम्हें, इतने दुख, इतने लांछन उठाने पड़े, लेकिन लेकिन तुमने मां और बाबूजी को सच्ची बात बताई क्यों नहीं? बोलो शोभा बोलो। मैं जिसे प्यार करती हूँ उसकी बदनामी, उसका अपमान मैं कैसे बर्दाश्त करती, कैसे? शोभा, शोभा, बेटा